जय जय सीताराम। बोलिए भागवत भगवान की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। जय जय श्री राम। आइए भगवान नाम का आश्रय लेकर कथा में प्रवेश करते हुए जीवन को सार्थक करते हैं। सभी लोग मेरे संग बोलेंगे जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। एक बार बोलिए प्रेम से, जोर से। ताली बजाते हुए हाथ उठा के जय जय श्री कृष्णा, 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 जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन। गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला,
वांछा कल्प तरु तरु तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी वो भगवान जो अकारण करुणा करते हैं, ऐसे परम पिता परमेश्वर को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उपस्थित मातृशक्ति भगवत चरणानुरागी प्रिय वैष्णव भक्तों को भी जय श्री कृष्णा राधे राधे। साधना टीवी के माध्यम से जो इस कथा को घर बैठे श्रवण कर रहे हैं, आप सभी से भी जय श्री कृष्णा राधे राधे। प्रिय भक्तों, कोष्टी समाज की सुंदर सी पहल पूरे देश तक पहुंच रही है। पूरे समाज की ओर से इंदौर शहर में इस कथा का आयोजन इसलिए किया जा रहा है कि समाज का ही नहीं, इस कथा से देश का भी कल्याण होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणो पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्य भवेत्। हमारे भारत के लोग जब भी सोचते हैं तो ना अपने बारे में ना अपने परिवार के बारे में, जब भी सोचते हैं तो अपने देश के बारे में सोचते हैं कि मेरे देश का कल्याण हो। हमारी समाज केवल इंदौर शहर में थोड़ी है, कोष्टी समाज भारत के कोने कोने में कहीं भी बैठी है तो उनको ये संदेश प्राप्त हो रहा है कि आप कहीं भी हैं, कहीं भी रहिए, अपने काम में बिजी रहिए, पर समय निकाल के भगवान के लिए समय निकालकर उनकी सेवा कर ही लीजिए, क्योंकि हमें बनाने वाले वो हैं, हमें संसार में भेजने वाले वो हैं, हमें संसार में हर सुख देने वाले वो हैं। तो थोड़ा सा समय उनके लिए, यही भाव लेकर, वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के इस कथा के माध्यम से पूरे समस्त भारतवासियों का और जो भारत के बाहर बैठे हैं उन लोगों का भी कथा श्रवण करने से कल्याण तो होगा ही होगा। एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है कथा से। कल हम
आज कथा की गंगा में डुबकी लगाएंगे और नित्य 7 दिन आज से 7 दिन तक कथा को प्रेम पूर्वक सुनेंगे। क्या सुनेंगे कथा में? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। सत्चित आनंद भागवत में 6 अध्यायों की पहले महिमा गाई है, पद्म पुराण से महिमा ली गई है। भागवत कितनी सुंदर है, इसको कहा भी तो जाए ना, कितनी सुंदर है भागवत जी। आइए समझते हैं, भागवत में 4 अक्षर हैं, भागवत। भाग के कहे खुल जात भाग जीवन के, कहते हैं कि यदि भागवत के आप 4 अक्षर में से एक भी अक्षर बोल लेते हैं तो उनकी कृपा निश्चित प्राप्त होगी। जैसे राम शब्द में 2 अक्षर हैं, रा और मा, बीच में आवी है रा आ, मा, मात्रा है रा। यदि आप कहते हैं तो देखिए, रा कहने से मुंह खुलता है रा, और मा कहने से मुंह बंद होता है राम। बोलो राम, इसका अर्थ क्या है? रा कहने से मुंह खुलता है, मां कहने से मुंह बंद क्यों होता है? इसका अर्थ ये है कि रा कहने मात्र से हमारे भीतर के सारे पाप निकल कर भाग जाते हैं, और मां कहते ही मुंह का दरवाजा बंद हो जाता है कि गए वापस ना आ जाएं, गए हुए पाप पुनः ना आ जाए। इसलिए राम, मुंह खुला रा कहने से सारे पाप, मां कहने की भी जरूरत नहीं है, रा बस कह लोगे तो भी कल्याण निश्चित है। शब्द ही ब्रह्म है, राम नाम की बड़ी महिमा है। ऐसे भागवत, भाग के कहे खुल जात भाग जीवन के, जिसके जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हैं, बहुत टेंशन में जी रहा है, वो यदि भागवत श्रवण कर ले तो विश्वास दिलाता हूँ सारे जीवन के भाग्य खुल जाएंगे। जितने द्वार बंद थे उसके लिए सारे द्वार खुल जाएंगे। भाग के कहे खुल जात भाग जीवन के, और गा के कहे थे गुमान मिट जाते हैं। कोई अहंकारी व्यक्ति यदि कथा सुन लेना, हाँ मैया जी, ओ मैया, कोई अहंकारी व्यक्ति कथा सुन ले तो क्या हो जाता है? अहंकार मिट जाता है। भागवत क्या मिटाती है? क्या मिटाती है? अहंकार मिटाती है। और जब अहंकार मिटेगा तो जीवन में अपने आप आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि आनंद को रोक के कौन रखता है? अहंकार रोक के रखता है। अहंकार हमें आनंद की ओर बढ़ने नहीं देता, इसलिए हमें जीवन में कभी भी किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का अहंकार कभी कभी नहीं करना चाहिए। जो दिया है ईश्वर ने दिया है, प्रसाद स्वरूप रखिए, अच्छी बात है, पर उसके मालिक बनने की गलतियां ना करिए। हाँ, तो भागवत श्रवण करते रहेंगे तो क्या बनेगा? प्रेम बनेगा, अहंकार समाप्त होगा। जो लोग भागवत नहीं सुनते ना, वो अक्सर ऐसे ऐसे चलते हैं छाती तान के, पता नहीं किस चीज की अकड़ रखते हैं, भगवान जाने। परंतु भागवत सुनने के बाद भी यदि आप ऐसे ही अहंकारी बन के घूम रहे हैं तो मुझे लगता है कि कथा सुनने का कोई लाभ नहीं है। 3 घंटे लोगों ने केवल वेस्ट किए हैं, बर्बाद किए। यदि कथा से अहंकार नहीं मिटा, एक सज्जन हमसे बोले, गुरु जी भागवत बहुत हो रही है, परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा है। देखिए भागवत चीज क्या है? भागवत एक हॉस्पिटल है जहां डॉक्टर है, हर बीमारी का इलाज भी होगा, परंतु हॉस्पिटल जाने से बीमारी ठीक नहीं होती। डॉक्टर जो कहे, जो परहेज बताए वो करना होता है, जो दवाई बताए वो समय पर खाना होता है, तब तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा और कैंसर जैसी भयंकर बीमारी कंट्रोल होंगी। अब आप डॉक्टर के पास गए हॉस्पिटल में, अब तो मैं बीमारी से मुक्त हो गया, कैसे होगा भाई? बीमारी से मुक्त होना है तो दवाई दिया, सुबह शाम की खाना, दूध के संग के पानी के संग, डॉक्टर बताएगा। दवाई तो खाना है। अब किसी को शुगर हो जाए, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर साहब शुगर बढ़ गई है, बताइए क्या करें, तो डॉक्टर तो पहले बोलेगा शक्कर खाना बंद करो, चाय पीना बंद करो, रसगुल्ले खाना बंद करो, जितना मीठा खाते हो सब बंद करो। नहीं साहब, हम रसगुल्ला नहीं छोड़ेंगे, चाय नहीं छोड़ेंगे हम। तब डॉक्टर दवाई देगा तो दवाई असर करेगी? आपको शुगर की बीमारी है और आप रसगुल्ले खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, और आप एक तरफ से गोली भी खा रहे हैं, तो गोली का असर होगा भाई? शुगर की बीमारी तब ठीक होती है, गोली से ज्यादा परहेज। परहेज ही सबसे बड़ी दवाई होती है, याद रखिएगा। क्या होती है मेरी माँ? परहेज क्या होती है? ओ मेरी मैया, क्या होती है?
दवाई। तो डॉक्टर जो दवाई दे वो खाना भी है, और हमें क्या करना है, परहेज पर बहुत ध्यान रखना। तो भागवत श्रवण करने से कल्याण तो होगा, पर जो मार्ग बताया जाए उस मार्ग में हमें चलना पड़ेगा। जब तक चलेंगे नहीं तब तक अब कहा जाए कि अहंकार नहीं करना, तो अहंकार नहीं करना ये परहेज है। कथा की दवाई तो लेना है, कथा सत्संग की बूटी तो लेना है, पर कुसंग से अहंकार से परहेज भी तो करना है। गुरुजी चार बातें बताएंगे आपको 7 दिन में। पहला, अहंकार से परहेज करना। दूसरा, क्रोध से परहेज करना। तीसरा, निंदा चुगली से परहेज करना। और चौथा है ना, चौथा कि सच्चे मन से, विश्वास के साथ नहीं, दृढ़ विश्वास के साथ भगवान का नाम जपना। यही चार बातें हैं जीवन की। ये चार बातें यदि आ जाएं तो भागवत सफल है। अभी जो बोल दिया ना हमने, वो आपने सुन ली भागवत, यही 7 दिन की भागवत का सार मैंने पहले दिन बोल दिया, पहले ही लाइन में बोल दिया। अब इसी का विश्लेषण 7 दिन तक करता रहूंगा कि किस प्रकार काम मिटेगा, किस प्रकार से अहंकार मिटेगा, किस प्रकार से निंदा चुगली मिटेगी। अब इसी का विश्लेषण होगा 7 दिन तक। ये सार बोल दिया एक लाइन में, सूत्र है, एक छोटा सा सूत्र दे दिया, बड़ा सा सवाल हल हो जाएगा। यही जिंदगी के बड़े से बड़े सवाल हल करने का एकमात्र सूत्र है। भागे कहे खुल जात भाग जीवन के, बाके ए हा? गाके कहे ते गुमान मिट जाता है। गुमान मीन्स अहंकार। तो कथा से क्या मिटाना है हमें, इस बार आप लोग ना बैठने के पहले, मैया नींद आने लगी, लटकना झटकना चालू, अच्छा थक गई होंगी ना, लंबी यात्रा थी, सो जाओ। हाँ मैया जी, भा के कहे खुल जात भाग जीवन के, गा के कहे ते गुमान मिट। आज आप लोग ना यहाँ बैठे हो एक संकल्प के साथ बैठी हो, एक दृढ़ निश्चय करके बैठिए कि हमें इन 7 दिनों में अपने अंदर का अहंकार मिटाना ही मिटाना है। इस कथा से झूठ बोलने की यदि हमारी आदत है तो उस आदत को समाप्त करना ही करना है। इस कथा से ये 2 संकल्प लेके आप बैठिए, बाकी हम देखेंगे आगे क्या होता है। भाग के कहे खुल जात भाग जीवन के, गाते कहे से गुमान मिट जाता है, और बाके कहे बलबुद्धि बढ़ जाता है। बाके कहने से भाग वा, वाके कहे से बल और बुद्धि, बल बुद्धि बढ़ जाती है, बल बढ़ जाता। कौन सा बल, शारीरिक बल नहीं, आध्यात्म बल। बल और बुद्धि का विकास हो जाता है, बिनु सत्संग विवेक ना हो, यही गोस्वामी जी भी कह रहे हैं। जब तक सत्संग नहीं करेंगे आप लोग, तब तक आपके भीतर आध्यात्म ऊर्जा शक्ति नहीं आएगी। आध्यात्म शक्ति किसे कहते हैं, उसका भी मैं उदाहरण देके आपको समझाता हूं। कई बार क्या होता है, आप लोग घर परिवार में ना कभी कभी झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, तो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, नींद नहीं आती है, कई लोग तो मर जाते हैं, हमने टेंशन हो गई बहुत, आत्महत्या, फांसी लगा लो, जहर खा लो, आग लगा लो, कई लोग अपनाते हैं तरीके जिसको जो अच्छा लगे, मर जाते हैं लोग टेंशन में, डिप्रेशन में। इनका आध्यात्म लेवल जो था ना बहुत कम था, डाउन था, इनकी आध्यात्म शक्ति कमजोर थी। यदि इनकी आध्यात्म शक्ति दृढ़ता मजबूत होती तो ये जीवन में कितना भी संघर्ष करते, जीवन में कितना भी कष्ट उठाते, पर मरने का निश्चय नहीं करते, क्योंकि आध्यात्म शक्ति कभी आपको मरने नहीं देगी। जब मौत आएगी तब तो हम मरेंगे। अच्छा, आध्यात्म शक्ति ये भी कहती है, जब आप मरेंगे ना, जो आध्यात्म का धनी होता है, जिसके पास आध्यात्म ज्ञान होता है, जो उस ज्ञान का धनी होता है, वो व्यक्ति मौत को भी उत्सव मनाता है। मौत को भी क्या मानता है, वो उत्सव, रोते रोते नहीं मरता। आध्यात्म कहते किसे हैं, अभी तो यही समझना पड़ेगा कि हम आध्यात्म आध्यात्म कह रहे हैं, ये आध्यात्म क्या है। एक सरल भाषा में इसका विश्लेषण करूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, कठिन सब्जेक्ट है ये, इसकी सरल व्याख्या मैं आपको सुना दूंगा। आध्यात्म चीज क्या है, ये मेरा पिता है, ये बुद्धि है सबके पास कि आपका पिता है या आपकी माँ है, परंतु ये मेरा पिता नहीं, ये पिता के रूप में भगवान ही है, यही आध्यात्म दृष्टि है, यही आध्यात्म सोच है।
पिता को पिता ना माना जाए, पिता को परमात्मा के रूप में देखा जाए। ये मेरा पिता नहीं, ये मेरी माँ नहीं है, ये माँ के रूप में कौन है? भगवान है। मंदिर में पत्थर नहीं है, मंदिर में पत्थर के रूप में कौन है? भगवान। यही आध्यात्म दृष्टि है। जो लोग पत्थर देखते हैं वो बुद्धिमान हो सकते हैं, पर जो पत्थर में भगवान देखते हैं वही आध्यात्म दृष्टि है, वही दृष्टि है आध्यात्म। उसी को आध्यात्म नजरिया कहते हैं। तो आध्यात्म की मैं बात कर रहा हूं, समझ गए ना? इस आध्यात्म की बहुत विस्तृत चर्चा है, यदि मैं करूंगा तो आप समय भी लगेगा, समझ नहीं पाएंगे। मैं तो सूक्ष्म में सरल भाषा बोलता हूं, है, ताकि आप सब समझ जाएं, शब्द भी कम लगे और समझ में भी जल्दी आ जाए। ठीक हो? हाँ, बैठ जाओ। हा? राम राम। तो भाके कहे खुल जात भाग जीवन के, गाके कहे से गुमान मिट जाता है, वाके कहे बल बुद्धि बढ़ जाते है, और ताके कहे तकदीर बदल जाता है। ता मतलब तस्मात भागवतम विदु। ताके कहे से तकदीर बदल जाती है, जो केवल ता शब्द सुन लेता है भागवत जी का, उसकी तकदीर बदल जाती है। कहते हैं डॉक्टर, जब आप लोग के घर पे कोई उत्सव होता है ना, तो आप कैमरामैन को बुलाते हैं, भाई सब फोटो लीजिएगा। तो डॉक्टर फोटोग्राफर बार बार कहता है कि थोड़ा स्माइल स्माइल स्माइल। क्या होगा स्माइल से? क्या होता है? अच्छा आप बताओ, आपको तो ज्ञान है, स्माइल से क्या होता है? हाँ जी, आप समझते हैं, स्माइल करने से फोटो अच्छी आती है। सोचिए, थोड़ा सा हंसने से यदि तस्वीर अच्छी आती है, तो सदा यदि आपके होठों पर मुस्कान बनी रहेगी तो तस्वीर नहीं तकदीर भी अच्छी हो जाएगी। इसलिए कहता हूँ कि थोड़े से हंसने मुस्कुराने से तस्वीर सुधरती होगी, पर हमेशा के लिए होठों पर मुस्कान कोई रख ले तो तकदीर सुधर जाती है, तकदीर बन जाती है। इसलिए ताके कहे से तकदीर बदल जाते हैं। तो तकदीर बदलना हो तो भागवत, भागवत, ये चार शब्द का अर्थ है। भागवत का पहला श्लोक है, महिमा दर्शाता है कि भागवत जी में क्या है। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। सत्चित आनंद। भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। भगवान सत्य चित आनंद। सत्य किसे कहते हैं? जिसका कभी नाश नहीं हो उसे सत्य कहते हैं। सत्य कौन है? बोले यद दृष्टम तद नष्टम, जो दिख रहा सब नष्ट होने वाला, परंतु उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान को ही सत्य कहा गया, सत्यम परम धीमहि। ईश्वर सत्य है, उसका कभी परिवर्तन नहीं होता। अच्छा हम लोग, अच्छा आपके दादा परदादा जब नहीं थे तब भी जगन्नाथ मंदिर रहा कि नहीं? आपने सुना है कि आपके दादा परदादा जगन्नाथ जी की यात्रा पे गए थे? सुना कि नहीं कभी? आपने सुना होगा कि आपकी दादा परदादा 10-20 पीढ़ी पहले वो केदारनाथ की बद्रीनाथ की यात्रा पे गए थे कि नहीं? मतलब हमारे पैदा होने के पहले बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम, जगन्नाथ जी थे कि नहीं? हाँ या ना? थे। तो ईश्वर हमसे पहले भी था और हम हैं तो भी जगन्नाथ जी हैं कि नहीं? द्वारिका नाथ जी हैं कि नहीं? श्रीनाथ जी है कि नहीं? है ना? और हम जब चले जाएंगे तब ये रहेंगे कि ये भी हमारे साथ जाएंगे? हाँ रहेंगे। अच्छा बता दिया आपने, हमें तो लगा जाएंगे। नहीं जाएंगे ना? इसका अर्थ क्या है? सत्य कौन हुआ? हम सत्य भाई के भगवान। यदि हम सत्य होते तो हम टिके रहते ना, टिके रहते, हमारा नाश नहीं होता ना। जब पैदा हुए थे हम लोग इतने से थे, जवानी आई, लड़कपन, थोड़ा बड़े हुए, फिर इतने बड़े हुए, फिर इतने बड़े हुए, आज इस प्रकार से आपके सामने
आप हमारे सामने, हम आपके सामने, है ना। आप सभी इतने से थे कि नहीं, कभी के डायरेक्ट इतने बड़े थे, थे इतने से सब थे। तो हम परिवर्तनशील है या नहीं, हम में परिवर्तन, हम पैदा हुए थे इतने से, फिर जवानी, फिर इतना, अब बुढ़ा पाएगा, दांत वांत टूटेंगे, बाल बाल झड़ जाएंगे, छुट्टी जाओ, चमड़ी झूला झूलने लगेगी। हाँ ऐसी होता ना बुढ़ापे में, चमड़ी क्या करती है, झूला झूलती है। उसके बाद क्या होता है, अब ठंडी में देखा होगा बूढ़े लोग कुर्सी डाल के बाहर बैठे रहते, उनको डॉक्टर बोलता धूप ज्यादा लो। यही जीवन की सच्चाई है कि एक दिन तुम्हें धूप लेना ही पड़ेगी। ये सारे रंग महल धरे के धरे रह जाएंगे, आलीशान कितना भी बड़ा बंगला बनवा लो, पर कुर्सी डाल के बाहर बैठना पड़ेगा, धूप लेना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बुढ़ापे में निकल गए कि घर, अभी देखना जितने बूढ़े होंगे सब घर के बाहर कुर्सी डाले बैठे होंगे, निकल गए कि नहीं जिंदा, अब थोड़े दिन बाद पूरे से निकल के जाएंगे। तो निकल के जाना पड़ेगा, एक दिन घर परिवार छोड़ना पड़ेगा। हम तो अभी से कहते अभी से अभ्यास करना शुरू कर दो, घर प्या घर परिवार से इतनी मोह ममता मत रखना कि आखिरी टाइम पे तुम्हें रोते रोते मरना पड़े। भागवत क्या सिखाती है, भागवत मरना भी सिखाती है कि रोते रोते तो पैदा ही भय हो। कबीरदास जी क्या कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा जब पैदा भय, कबीरा जब पैदा भय जग हंसे हम रोए। हम रोते रोते आए थे ना, कबीरा जब पैदा भय जग हंसे हम रोए। जब आप पैदा भय थे ना, सब लोग ताली थाली बजा बजा के छोरा भयो छोरा। अब पता नहीं आपके भय में लोग नाचे नहीं, हमें नहीं पता, क्योंकि छोरा में ज्यादा नाचते हैं, छोरी में तो लगता चोरी हो गई। तो कबीरा जब पैदा भय जग हंसे हम रोए, अब करनी कुछ ऐसी कर चलो कि हम हंसे और जग रोए। कुछ ऐसा करके जाइए कि आप हंसते हंसते जाएं, संतोष रहे हमें कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया है, अब हम मर रहे हैं। आपको संतोष रहे, जमाने को रहे ना रहे, आप कुछ ऐसा कर जाओ कि आपके जाने के बाद लोग दो आंसू तो बहाएं कि भाई भला आदमी था। हाँ तो भागवत आपका मरण सुधारती है। कैसे मरना है आपको, रोते रोते मरना है, नाती पोतों को याद करते मरना है, या राम राम कहते कहते मरना है, यही सार है। अभी हमारे मित्र हैं, ये ढोलक बजा रहे हैं सनी भाई, इनके दादाजी अभी शांत हो गए, लगभग 15 से 20 दिन बाद पुरानी है, इनके दादाजी चले गए। इन्होंने कल ही हमसे बताया कि हमारे दादाजी मरने के पहले उनको यमदूत दिखने लगे, चिल्लाने लगे, वो लाओ लाठी लाओ, ये करो लाओ, आना मत, चलो चलो वहां। कहते हैं मरने के एक घंटा पहले उसे यमदूत क्लियर दिखने लगते हैं। आप किसी भी मरने वाले इंसान के पास बैठ जाना, उसको देखना ध्यान से, वो क्या हरकत करता है। कितना भी गुणवान व्यक्ति हो, समझदार व्यक्ति हो, आखिरी टाइम पे यदि वो पापी है तो उसे यमदूत दिखेंगे दिखेंगे। यमदूत दिखने लगे, अब इन्होंने लाठी उठा ली, लाओ लाठी मारता हूं। तब गीता का पाठ किया गया और 18 अध्याय जब इन्होंने गीता का पाठ सुना, तो कहते हैं गीता का पाठ सुनते ही नॉर्मल हो गए, सारे यमदूत भाग गए। कितना भी बड़ा पापी हो, मेरी मां मैं विश्वास दिलाता हूं, कितना भी बड़ा पापी हो, यदि उसने गीता श्रवण कर ली मरते समय और भगवान का नाम ले लिया, तो यमदूतों की ताकत नहीं कि आपको स्पर्श कर सकें। आप लोग आध्यात्म की या भागवत कथा पुराणों की, कई लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं, सब बाबा लोग ऐसे ही हैं, सब क्या आप सुनाते रहते हैं, आप मत सुनिए, लेकिन जब मौत निकट आएगी ना, तब आपको हमारी बात सही लगेगी, समझ में आएगी। आपके कोई दादा परदादा जब मरे तो उनके पास बैठ के गौर करना आप कि वो क्या कह रहे हैं। वो चिल्लाते हैं, चीखते हैं, वो स्थिति सबके साथ होती है। इसलिए कहता हूं कि अभी से राम राम जपो, वही तो सार है। हम ये थोड़ी कहते कि बैठ के राम राम जपो, काम करते करते, काम नहीं छोड़िए, कर्मण्य हो के घर पे नहीं बैठ जाना, आपको काम सारा करना, पत्नी हो पत्नी धर्म निभाओ, माँ हो माँ धर्म निभाओ, बहू हो बहू धर्म निभाओ, बेटा हो पुत्र धर्म निभाओ, किसान हो किसान धर्म निभाओ, व्यापारी हो व्यापार धर्म निभाओ, जो जहां हो काम बराबर करना, मेहनत से दो पैसे ज्यादा कमाना, परंतु कार्य को करते समय मेरे भगवान को भूल मत जाना, यही निवेदन कर रहा हूं। काम बराबर करना,
पर उस प्रभु को याद करते करते काम करना जिस प्रभु की कृपा से ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। हमारे संत लोग गाते हैं ना कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, हाँ? गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। तो सच्चिदानंद रूपाय भगवान सच्चित आनंद, सच्चिदानंद सच्चित आनंद, ईश्वर सत्य है। चित मीन्स प्रकाश, हम सबके भीतर है। भगवान है कहां? कहां? एक बार भगवान ने आपके संग एक गेम खेला था, खेल, बच्चे खेलते ना लुका छिपी खेलते, आपने भी खेला होगा बचपन में, लुका छिपी खेली कि नहीं? हम छिप जाएंगे फिर आप हमें खोजना, पहला ये दूसरा ये तीसरा, ऐसा बच्चे खेलते, हमने भी खेला खूब, आपने भी खेला होगा। भगवान के साथ भी हमारा ये गेम हुआ था एक बार हम सभी लोगों ने भगवान के संग एक गेम खेला था। क्या? भगवान भी थे, हम भी थे। भगवान ने कहा चलो हम एक गेम खेलते हैं। कहा हम लोगों ने, कौन सा? भगवान ने कहा कौन सा खेलोगे? भगवान से हम लोगों ने कहा चलो लुका छिपी खेलते हैं। भगवान बोले चलो छिपते। तो भगवान से पहले हम लोगों ने कहा कि पहले हम छिपते हैं, क्योंकि हमारे भारत में क्या है कि यदि आप क्रिकेट खेलेंगे ना तो बैटिंग पहले करना चाहेंगे, आप बॉल फेंकना कोई नहीं चाहता, पहले पहले हम। तो भगवान बोले कि पहले क्या तुम चाहते हो? तो हम लोगों ने कह दिया कि प्रभु पहले हम छिपते हैं, आप हमें ढूंढना। तो हम लोग छिप गए। हम लोग कहां छिपे? हमने मछली के शरीर में छिप गए, सूअर के शरीर में छिप गए, हम बंदर के शरीर में छिप गए। हम जिस 84 लाख योनियां है ना, हमने 84 लाख योनियों में जाकर छिप गए। पर भगवान ने खोज लिया, अच्छा अब तुम गधा बन के आ गए हमारे सामने, अब तुम हाथी बन के आ गए हमारे सामने, अब तुम बंदर बन के आ गए हमारे सामने, अब भालू बन के आ गए। भगवान ने पहचान लिया कि तुम वही हो, उन्होंने हमें खोज निकाला। अब भगवान बोले हमने तुम्हें पकड़ लिया, अब हमारी बारी, अब हम छिप रहे हैं तुम ढूंढना। समझ रहे हैं गेम? अब भगवान छिप गए, अब खोजना किसे है? आपको। कहां? तब से भगवान ऐसी जगह छिपे कि तब से लेके मनुष्य आज तक भगवान को ढूंढ रहा है, मिलने का नाम नहीं, मिले ही नहीं। कहां छिप गए वो? हमें लग रहा है भगवान बाहर छिप गए, हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं। भगवान बाहर नहीं छिपे मेरी माँ, भगवान हम सबके भीतर मन मंदिर में जाकर छिप गए। हम लोग क्या करते हैं? बाहर ढूंढते हैं। यहां होगा कस्तूरी मृग में बसत मृग खोजत बन माहे। कस्तूरी मृग के भीतर होती है, वो कस्तूरी से बहुत बढ़िया खुशबू निकलती है। जैसे गाय के भीतर गौलोचन होता है, ऐसे कस्तूरी होती है मृग के भीतर। कई बार ना मृग के भीतर कस्तूरी होती है, उसको खुशबू आती है, उसे लगता है यहाँ से आ रही है, वो वहाँ जाता है, फिर उसको हवा यहाँ से लगती है, अच्छा यहाँ से आ रही है, पूरे जंगल में ढूंढता है, उसे पता ही नहीं चलता कि खुशबू कहाँ से आ रही है। बस हम लोग भी उस मृग की तरह है, हमको लग रहा है कि भगवान द्वारिका में मिलेंगे, हमें लगता है भगवान वृंदावन में मिलेंगे, हमें लगता है भगवान जगन्नाथ जी मिलेंगे। भगवान कहीं नहीं मिलेंगे, भगवान भीतर है। जिस दिन आंखें बंद करके मन मंदिर में भगवान को बसा लोगे, उनकी कल्पना उनकी छवि मन मंदिर में बसा लोगे, वो अंदर से ही प्रकट हो जाएंगे, कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भाई दही का एक ऐसा कण बता दीजिए जिस कण में मक्खन ना हो। दही का ऐसा कोई कण है जिस कण में मक्खन ना हो? इस तरफ ना हो, उस तरफ हो, दही में मक्खन होता है कि नहीं? होता, पर करना क्या पड़ता है? हमें पहले दही का मंथन करना पड़ता है, मथना पड़ता, मथानी से। मंथन करने से क्या होता है? बोले दही की नस नस टूट जाती है, फिर क्या होता है उससे? मक्खन किनारे हो जाता है, छाछ अलग हो जाती है, फिर दही का अस्तित्व तो मिट जाता है, दही नाम की चीज समाप्त तो हो जाती है। मक्खन निकलने के बाद क्या बच जाता है? छाछ, मट्ठा, मही। बस मेरी माँ, जैसे दही के कण कण में मक्खन छिपा था, बस मंथन करने की देर थी, ऐसे कण कण में वो भगवान छिप गया, बस भक्ति करने की देर है, प्रेम करने की देर है। प्रेम करोगे तो राम ही केवल प्रेम प्यारा,
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम की मथानी से जब मंथन करोगे ना तो प्रकट हो जाएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सर्वत्र व्याप्त तो है पर प्रेम ते प्रकट, प्रेम की मथानी जब चलेगी ना, जैसे गोपियों ने प्रेम किया गोविंद से तो भगवान प्रकट हो गए, ऐसे ही भक्त प्रहलाद ने प्रेम किया भगवान से तो खंबा से प्रकट भय की नहीं। प्रहलाद के कहने से भगवान कहां से प्रकट भय? खंबे से हुए ना। तो इस खंबे को भी तोड़ दिया जाए तो भगवान निकलेंगे? अब कोई कहे कि भगवान तो खंबे में रहते ना, भगवान खंबे में नहीं रहते मेरी माँ, भगवान तो विश्वास में रहते हैं। प्रहलाद को विश्वास था कि इस खंबे में भगवान है, तो भक्त के विश्वास को सिद्ध करने के लिए भगवान प्रकट हो गए, उनके विश्वास को पुष्ट करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। और विश्वास तब होता है जब भक्ति होती है ना। भक्ति तो भक्ति की मथानी हो, और विश्वास से जब मथा जाए, भक्ति की मथानी को कहां से, मथानी को रस्सी लपेट के नहीं मथते, तो विश्वास की रस्सी हो, और विश्वास की रस्सी से जब विश्वास भक्ति की मथानी को मथा जाएगा तो कणकण में रहने वाला परमात्मा प्रकट हो जाएगा। दर्शन कर लो, खड़े हैं सामने। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। ऐसे भगवान को जो सचित आनंद देने वाले, जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले हैं, ऐसे भगवान को हम नमन करते हैं, जो समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान को राधा सहित, श्री मतलब राधा, श्री कृष्णाय वयम नमः, श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत का नाम पहले भागवत महापुराण लिखा था व्यास जी ने, इससे राधा रानी नाराज हो गई। राधा रानी ने कहा कि लो भागवत लिख गई पर हमारा तो उसमें कहीं स्थान नहीं दिया, क्या हम कृष्ण के बिना रह पाएंगी? उसमें तो कृष्ण का ही चरित्र है और हमें तो उससे अलग रखा गया है, अब हम कहाँ रहेंगी? तब व्यास जी ने संशोधन किया था और व्यास जी ने कहा था इसका नाम भागवत नहीं, श्री मद भागवत, श्री मतलब राधा, राधा सहित कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, श्री कृष्णाय वयम नमः। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्भुविने दुस्तं सर्वभूते हृदयं मुनिमान तोष्मि। श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी कौन है? जन्म लेते ही सन्यास लेने चल पड़े थे सुखदेव भगवान। सुखदेव जी, सुखदेव जी व्यास नंदन है, व्यास जी के पुत्र हैं। 12 वर्ष तक आप अपनी माँ के गर्भ में थे, भगवान के कहने से बाहर आए। बाद में कब करोगे वो समय बताओ बाद का, जितना बुढ़ापा आता जाएगा उतने उलझते जाओगे। सुलझता कोई नहीं है, उलझता जाता है, इसलिए भगवान का भजन कल से नहीं, आज अभी इसी वक्त से शुरू कर दो। काम कल कर लेंगे, काम ही तो करने हैं। भगवान के लिए समय, भगवान की भक्ति, भगवान की कथा कल पर नहीं टालना चाहिए, काल नहीं। दशरथ जी ने राम जी का राज्य अभिषेक कल पर टाल दिया था, गुरु जी के पास गए थे, गुरु जी कब करें अभिषेक, तो गुरु जी ने तो कहा था आज ही कर लो। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबिराज। राम
राम जी को जब राजा बना दोगे तब का मुहूर्त बढ़िया है, ऐसा गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था। दशरथ जी ने पूछा कि राम को राजा कब बना दें, तो गुरु जी ने कहा सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज, जब राम को राजा बनाओगे तब का मुहूर्त बढ़िया है। क्या हुआ, राम जी को कल राजा बनाएंगे, कल पे टाल दिया और कल पे राम का राज्य तिलक डाला चाला, तो कल हुआ ही नहीं। याद रख पूरी करेगा कब, और मूर्ख लोग उल्टा कहते हैं आज करे तो काल, कर काल करे तो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करता है, जिंदा है अभी परसों। ज्ञानी व्यक्ति कल पर नहीं टालता, ज्ञानी वही है, विवेकशील वही है जो आज ही कर ले, कल किसने देखा। श्री सुखदेव भगवान जन्म लेते ही संन्यास लेने चले गए थे, पिताजी ने रोका बेटा आओ विवाह कर लें, तब कहा था पुत्रे तितन मयदया तर्वो विनेदुस, इन वृक्षों ने आवाज लगाई कि व्यास जी आपका जवान बेटा संन्यास लेने जा रहा है वो तो बढ़िया है, आप पुत्र मोह में व्याकुल हैं, आप उसे पकड़ना चाहते हैं। तब व्यास जी वापस आ गए कि मेरा बेटा काम क्रोध को जीत चुका है, इसे जरूरत ही नहीं है संसार की। वही सुखदेव जी को व्यास जी ने 18,000 श्लोक समझाए पढ़ाए, उन्हें सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई थी। ये वही परीक्षित हैं जिनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ऐसा प्रश्न सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा था। तब सुखदेव जी ने उनको भागवत की कथा सुनाई थी। आइए चलते हैं नैमिषारण्य, 88,000 संत बैठे हैं, उन्हीं संतों के बीच में श्री सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी महाराज के आते ही सारे संत खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे और सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा सुनाए, बोले भक्त ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान विराग आप तो कथा हमें ऐसी सुना दीजिए जिसमें भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, भक्ति ज्ञान वैराग को प्रशस्त करने वाली भागवत की कथा, जो भक्ति को बढ़ाए, ज्ञान को बढ़ाए, जो वैराग्य की ओर ले जाए, वही तो कथा है। कथा कितनी, भागवत कथा सबके बस की नहीं है, हमें बीच में भजन सुनाने पड़ते हैं इसलिए ताकि आपको नींद ना आए। हाँ, और भजन नहीं गाए तो आप लोग कहते महाराज जी तो भजन नहीं गाते। कथा भजनों की भूखी नहीं है, कथा गूढ़ रहस्य है, यदि समझोगे तो इसी में समाधि लग जाएगी। पर अब जिस प्रकार के श्रोता होते हैं वक्ता को उस प्रकार का काम करना पड़ता है। अब हमें लग रहा है कि हमें आपको एक भजन सुनाना चाहिए, नहीं तो आप लोग गहरी समाधि में चले जाएंगे। हाँ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान के जय हो। भागवत जी बहुत प्रेम से, बहुत भाव से श्रवण करने का विषय है, क्योंकि ये तो प्रेम का विषय है। हाँ, गोपियां क्या कहती हैं श्याम सुंदर से, कि आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। और
हे कन्हैया जब गोपियों को छोड़कर भगवान, देखिए भागवत जी में क्या है, यहाँ प्रेम की पराकाष्ठा है, यहाँ ज्ञान उद्धव जैसा है, प्रेम गोपियों जैसा है और वैराग्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण जैसा है कि 56 करोड़ यदुवंशी आंखों के सामने मर गए, कोई रुदन नहीं। ये भागवत में ज्ञान वैराग्य भक्ति का समावेश है। आ गए हो, 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 अगर श्याम इस मोड़ पर आ गए हो, अगर श्याम इस मोड़ पर हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो अगर श्याम जाने की जिद ना करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो, ओ जा रहे हो तो आने का वादा करो, आ गए हो अगर शाम इस मोड़ पर, आ गए हो अगर शाम इस मोड़ पर हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, ओ हमसे मिलने। दौलत मिल जाए, कितनी भी शोहरत मिल जाए, पर कन्हैया तेरे बिना सारी दौलत बेकार है। मोड़ दुनिया के चाहे हो जितने हंसी, मोड़ दुनिया के चाहे हो जितने हंसी, शाम तेरे बिना चैन मुझको नहीं, शाम तेरे बिना अब मुझको नहीं, शाम बिनती, शाम बिनती, शाम बिनती न मेरी भुलाना कभी, शाम बिनती न मेरी भुलाना कभी, आज सपनों में आने का वादा करो, आज सपनों में आने का वादा करो, आज सपने में आने का वादा करो, आज सपने। कौन कौन चाहता कि आज सपने में कन्हैया आए, हाँ जी वादा करो हमसे वादा करो, हाँ जी वादा करो हमसे वादा करो, आज सपने में आने का वादा करो, आज सपने में आने मस्ती के साथ करो। Thank you.
दर्शन की लेकर मैं कब से खड़ी, उस दर्शन की लेकर मैं कब से खड़ी, कब से खड़ी हूँ कन्हैया दर्शन के लिए, आस दर्शन की लेकर मैं कब से खड़ी, आस दर्शन की लेकर मैं कब से खड़ी, शाम आँखों से लागे सावन की झड़ी, शाम आँखों से लागे सावन की झड़ी, सोच ले शाम, सोच ले शाम, सोच ले शाम सावन की रुत आ गई, सोच ले शाम सावन की रुत आ हमको झूला झुलाने का वादा करो, 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 हमसे वादा करो, हमसे वादा करो, हमसे वादा करो, हमसे वादा करो, हमको झूला झुलाने गोपियां जो कहते हैं वो आप भी कहिएगा। श्याम मिलने की आस लेके सोई थी मैं, श्याम मिलने की आस लेके सोई थी मैं, जब बिस्तर पर सोया करो ना तो सोने के पहले हाथ जोड़ के कन्हैया से जरूर कहा करो, कन्हैया आज सपने में जरूर आइएगा, यूं ना सही पर सपने में सही, सपने में तो आकर मिलो, सपने में तो दर्शन दो, भगवान से रोज कहा करिए कि प्रभु आज जरूर आइएगा। कौन कौन कहेगा? आज मिलने की आस लेके सोई थी मैं, आज मिलने की आस लेके सोई थी मैं, श्याम ख्वाबों में तेरे ही खोए थी मैं, श्याम ख्वाबों दर्द बन के जो, दर्द बन के जो, बोलो दर्द बन के जो दिल में समाए मेरे, दर्द बन के जो दिल में समाए मेरे, अब निकल के ना जाने का वादा करो, अब निकल के ना जाने का वादा करो, हमसे वादा करो, हमसे वादा करो, हमसे वादा करो, हमसे वादा करो, अब निकल के ना जाने का वादा करो, अब निकल के ना जाने का वादा करो, आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर, आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ हे कन्हैया, आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, तो आज सपनों में आएंगे कि नहीं यार? हाँ आएंगे ना, रोज भगवान से प्रार्थना जरूर सोने के पहले 5 मिनट किया करो, हे प्रभु आपका दर्शन करने की बड़ी चाह है, यदि मैं पापी हूं मुझे नेत्रों से दर्शन नहीं दे रहे हो कोई बात नहीं, माना कि मैं अधम हूं, मैं पापी हूं, मैं आपके योग्य नहीं, ठीक है,
पर सपने में तो आ सकते हो, सपने में रोका किसने है आपको? तो भगवान से रोज कहा करो कि हे प्रभु आज सपने में जरूर आइएगा। बस कृष्ण की दिव्य चर्चाओं को चिंतन करते करते कन्हैया का वो मटकी तोड़ना, वो घर घर जाकर मक्खन चुराना, वो गोवर्धन उठाने की लीला याद किया करो। कैसे भगवान ने गोवर्धन उठाए, किस प्रकार भगवान ने गोपियों के घर जाकर मक्खन चुराया, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा की साड़ी पकड़कर पीछे पड़ गए मैया मो को दूध पिलाए दे, किस प्रकार भगवान ने गाय चराई, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में वो गोपियां रोती बिलखती तड़पती रही, सारी लीलाओं को जो जो आपको स्मरण हो याद हो उन लीलाओं का स्मरण करते करते उस लीला में खो जाइए। आप महसूस करिए कि हम उस लीला में सम्मिलित हैं और उसी का चिंतन करते करते रात्रि को आप प्रेम पूर्वक सो जाइए। मैं विश्वास दिलाता हूं 15 दिन गिनिएगा, ओनली 15 दिन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 15 दिन गिनिएगा। यदि रोज भगवान का चिंतन करेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि 15 दिन के भीतर स्वप्न में आपको गोविंद का दर्शन होके रहेगा। और याद रखिएगा ये बात हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि स्वप्न का दर्शन भी उत्तम है। जिन जिनको प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है आज तक, चाहे वो नरसिंह मेहता हो, चाहे वो तुलसीदास जी हो, चाहे सूरदास जी हो, कबीरदास जी हो, कर्माबाई हो, रसखान जी हो, जितने लोग भी आप जिनका भी चरित्र पढ़ेंगे या इतिहास उठाकर देखेंगे, उन उनको सबसे पहले सपने में भगवान ने दर्शन दिए थे। स्वप्न में ही शुरुआत होती है, पहली सीढ़ी सपना है। स्वप्न यदि भगवान स्वप्न में दिख गए तो प्रत्यक्ष की आप कामना कर सकते हैं, प्रत्यक्ष की आप अपेक्षा कर सकते हैं कि भगवान मिलेंगे जरूर। स्वप्न में ही नहीं मिले तो फिर आप प्रत्यक्ष की तो कल्पना मत करिएगा। और स्वप्न में आने लगे, पहली बार क्या होगा, पहली बार कभी एकाध बार आएंगे सपने में, उसके बाद सालों साल नहीं लौटते वो। कई बार तो पूरी जिंदगी में एक ही बार सपने में भगवान का दर्शन होता है, उसके बाद आप फिर उसके बाद ना बहुत तड़पेंगे, उसके बाद बहुत तड़पेंगे आप, जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है। जब आप पानी में रहने वाली मछली की तरह जब तड़पेंगे उस प्रकार, तब फिर भगवान का दर्शन स्वप्न में दूसरी बार होगा और फिर वही प्रेम बना रहा। फिर आपका मन संसार से यदि हट गया, अच्छा भगवान मिलते क्यों नहीं, क्योंकि भगवान ना माँ है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माँ बड़ी चतुर होती है, माँ छोटे छोटे बच्चों को खिलौने पकड़ाती है और खिलौनों में बहला देती है, तू खेल मैं काम कर लेती है चुपके से, उनको बच्चों को ना पालकी पे खिलौना देती है और जाती जल्दी से काम करती है। बच्चे के हाथ से खिलौना छूटता है, रोने लगता, फिर आती फिर पकड़ा देती है, और ज्यादा रोया तो टॉफी पकड़ा देती है, ले चूसता रहे, लॉलीपॉप दे दिया मुंह में चूसता रहे, माँ चली जाती है काम पे। लेकिन एक बच्चा वो होता है ना खिलौने से मानता है ना लॉलीपॉप से मानता है, फिर माँ क्या करती है, फिर माँ उसे गोद में लेती है और गोद में लिए लिए काम करती है, हाँ या ना, हाँ या ना। जो बच्चा लॉलीपॉप से मान गया उसे तो पकड़ा के चली जाएगी, बुद्धू बना देगी, और जो नहीं मानेगा उसको गोद में लिए लिए काम करेगी। तो आप भी धन दौलत का लॉलीपॉप लेके मान गए तो भगवान बोलेगा ये लॉलीपॉप लेके मान गए, अब इसको दर्शन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि लॉलीपॉप से काम चल रहा है। और जब आप धन दौलत का लॉलीपॉप नहीं लेंगे, परिवार का माया मोह का लॉलीपॉप नहीं लेंगे, तो भगवान स्वयं आपको गोद में लेकर चलेगा कि अब तो जिनकी जरूरत नहीं तो मैं आता हूं। ये क्या है, आपको धन अच्छा दे दिया भगवान ने तो आपको क्या मिल गया, आपको बड़ी कृपा है, कृपा नहीं है, लॉलीपॉप दे रहा है वो ताकि तुम धन में उलझे रहो और वो तुमसे दूर रहा है। जो सच्चा भगत होता है ना, लॉलीपॉप, मीरा के घर पे सोने चांदी के ना कमरे भरे थे,
आप तो रोती रहती हो कि ये नहीं है वो नहीं है। उसके घर पे कमरे भरे थे, सोना चांदी, राजा की बेटी थी और राजा की बहू थी, खूब सोना था चांदी था मीरा के पास, लेकिन उसका मन सोना चांदी में नहीं लगा, लॉलीपॉप में नहीं लगा, वो कृष्ण के लिए रोती रही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। और जब वो भगवान को प्राप्त करने गई लॉलीपॉप छोड़ के, तो भगवान मिले कि नहीं? हमें भगवान इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हमें लॉलीपॉप अच्छा लगता है, धन दौलत से ही मन लगा है वही अच्छा लग रहा। कई लोग तो भगवान से मांगते ही है, भगवान काम अच्छा चले, पैसे अच्छे आए, तो हमें भगवान चाहिए नहीं, लॉलीपॉप चीज दे देता है वो। भगवान से धन की अपेक्षा रखोगे तो धन मिलेगा, नो डाउट मिलेगा। आपको धन चाहिए ना, ले लो ना, लक्ष्मी उनकी पत्नी पांव दबाती, उनके पास धन की कहां कमी है। धन चाहिए ले लो, बेटा चाहिए बेटा भी ले लो, परिवार चाहिए परिवार ले लो, बिजनेस व्यापार चाहिए ले ले भाई, क्या चाहिए, जमीन जायदाद चाहिए ले, पद प्रतिष्ठा चाहिए ले, कितनी चाहिए, सब देगा, सब देगा वो, सब देगा, पर अपने आप को दूर रखेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको माल खजाना चाहिए या भगवान चाहिए। यदि भगवान चाहिए तो सोना चांदी से पद प्रतिष्ठा से मोह को हटाकर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई का मंत्र लेके चलना पड़ेगा। ये महामंत्र है, मीराबाई ने जो कहा है ये मंत्र नहीं है, महामंत्र है कि मेरा कृष्ण के सिवा नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे और आशा एक राम जी की दूजी आशा। यदि आपको दूसरी आशा है तो भगवान बोलेगा तुम्हें उनसे काम चल रहा चला लो, हमारी जरूरत कहां है। भगवान उनको ही मिलते हैं जहां सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। सुनहरी मैंने निर्बल के बल राम, सुनहरी मैंने निर्बल के बल राम। अब हमारे बल एक ही है श्री कृष्ण। यदि हमारे पास परिवार का बल है, पैसों का बल है, भगवान बोले तू अपने बल से काम कर ले, मैं दूर। द्रौपदी की साड़ी खींचती रही, आधी से ज्यादा तो उतर गई, दो तीन हाथ साड़ी शरीर में रह गई, जिससे शरीर ढका था बस वो भी निकलने वाली थी। द्रौपदी ने किसे बुलाया, पति को। अर्जुन कहा तुम्हारा गांडीव, देखो दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा, उतर गई साड़ी, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा। अर्जुन ने गांडीव की तरफ देखा नहीं, सिर नीचे कर लिया। अच्छा कोई बात नहीं, अर्जुन मजबूर है, पर युधिष्ठिर आप तो मजबूर नहीं, आप उठिए अपनी पत्नी की रक्षा करिए। भगवान द्वारिका में हाथ बांधे खड़े थे कि बहना हमें तो बुला, हम आपको नहीं बुलाएंगे, पहले पति को ट्राई करेंगे। पति को ट्राई किया, अर्जुन भीम युधिष्ठिर नकुल सहदेव कोई सब सिर नीचे। फिर गुरुजी को, गुरुजी द्रोणाचार्य जी आप भी बैठे, आओ भगवान आपकी बेटी की लाज लुट रही है। गुरुजी ने भी सिर, तो सबसे दिग्गज बैठे थे फ्रंट में भीष्म पितामह, उनके सामने किसी नारी की लाज कैसे लुट सकती थी। अब आवाज लगाया द्रौपदी ने, पितामह बचा लो, हालत देख लीजिए। पितामह ने सिर नीचे कर लिया। जब सारा बल समाप्त हो गया तब द्रौपदी ने कहा कि मैंने देर कर दी, जिसे बुलाना था उसे बुलाया ही नहीं। जब तक आप पुकारेंगे नहीं वो क्यों, बिना बुलाए द्रौपदी के पास नहीं आया तो अरे गरे नथु घरे की क्या कहें। जब दोनों हाथ उठाकर द्रौपदी ने कहा, द्रौपदी ने कहा ना कि कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहां लाज मेरी लूटी जा रही है। जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, जिन्होंने मेरी सूरत नहीं देखी वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। यदि साड़ी उतर गई तो जिन्होंने मेरी सूरत नहीं देखी, घूंघट डाल के रखती थी, आज वो नंगा शरीर निर्वस्त्र शरीर देखेंगे। जुआ मैं पति जी मेरे हारे हैं बाजी,
महलों की रानी लूटी जा रही है। जब कोई नहीं आया तब द्रौपदी ने हाथ खड़े कर दिए, आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लूटी जा रही है। जब द्रौपदी ने बुलाया उस समय द्वारिकाधीश द्वारिका में भोजन करने की तैयारी, रुक्मणी जी बुला रही थी, आइए सरकार ठंडा हो रहा है। एक तरफ बहन बुला रही है, दूसरी तरफ पत्नी बुला रही है। पत्नी ने पहले बुलाया, बहन ने बाद में, तो पत्नी के बुलाने पे चले गए, थाली के सामने बैठ गए। थाली रुक्मणी ने सामने रखी, पंखा लेके झलकाने लगी। उसी समय द्रौपदी ने आवाज अब लगाई। जब कोई नहीं सुना तब द्रौपदी ने कहा, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरी या मेरे, मेरे असुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, अब जाए न लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी, मेरे यशवन भीगे साड़ी। और जैसे ही बुलाया द्वारिकाधीश दौड़ पड़े और दौड़कर चीर बनकर के स्वयं भगवान ने वस्त्र का अवतार धारण कर लिया और वस्त्र बनकर भगवान खींचने लगे। दुशासन खींचता गया, थक गया, साड़ी का ढेर लग गया शरीर पर ज्यों की त्यों। दुशासन बोला कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही कि नारी है कि नारी बीच साड़ी है। द्रौपदी ने कहा, मूर्ख, ना तो साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही कि नारी है, ना नारी ही कि साड़ी है, ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खींचा जा रहा, खींचा जा रहा, खींचा। आज एक भाई अपनी बहन के लिए साड़ी बनकर खींच रहा है ना। कब आए भगवान? जब सारा बल समाप्त हो गया। द्रौपदी का बल था ना, पतियों का बल, पितामह का बल, गुरु द्रोणाचार्य, जब सारा बल समाप्त हो गया तब भगवान आए। भक्तों, भगवान तब तक नहीं आएगा जब तक आपके पास कोई बल होगा, जब तक आपके पास कोई लॉलीपॉप होगा तब तक भगवान नहीं आएगा। और जब लॉलीपॉप से मन हटा करके गोविंद के चरणों में मन लगाओगे तो उसी दिन प्रत्यक्ष खड़ा नजर आएगा। ये धन दौलत हमें जो मिल रहा है ना, ये मत समझना कि विधाता की कृपा है। ये कृपा तो ठीक है, पर ये भगवान आपको कह रहे हैं कि तुम इसी में लगे रहो, है ना। बूढ़ी बूढ़ी माताओं का मन राम राम में नहीं लगता, पैसे गिनती रहती, लॉलीपॉप अच्छा लगता। राम मन लगते ही नहीं, लगा लो मेरी माँ, ये शरीर मिला है, जल्दी कर लो जो करना है, जो करना है जल्द कर। क्यों बैठा है मौन, पल में प्रलय होएगी, पल की जाने कौन। कल का भरोसा नहीं हो तुम, पैसों के चक्कर में पड़ी हो, बुढ़ापा आ गया, राम राम जपो, यही पैसा है। मीराबाई ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम नाम से बड़ा कोई धन नहीं होता, आप कितनी भी दौलत कमा लो सारी गड्डियां धरी रह जाती हैं। हाँ, इसलिए मेरी माँ कुछ नहीं बिगड़ा बेबी। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं कि आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया, ज्ञान भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्रशस्त करने वाली कथा सुनो। इस घोर कलयुग में लोग आसुरी वृत्ति के हो गए हैं। एक बार ये भागवत ना ये देवराज इंद्र ने भी सुनी थी। एक बार सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तभी वहां पर इंद्र आ गए अमृत का कलश लेके। सुखदेव जी को प्रणाम किया, कहा सरकार ये कथा आप हमें पिला दो और
स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी बोले, बराबरी की बात होती तो हम लेन देन कर लेते, पर तुम्हारा स्वर्ग का अमृत तुच्छ है और कथामृत श्रेष्ठ है। भागवत को महान बताया है स्वर्ग के अमृत से भी। स्वर्ग का अमृत कोई पी ले तो स्वर्ग मिलता है, पर कथा अमृत का कोई पान कर ले तो स्वयं भगवान की प्राप्ति कर लेता है, जो कि दुर्लभ है देवताओं को भी। इसलिए आपको ये मौका मिला है, अवसर मिला है, गवाइएगा मत। इंद्र ने बाद में तराजू बांधी है, भागवत जी को तौलकर देखा है, भागवत से भगवान प्रकट हो गए हैं। ये कोई पोथी नहीं है कि पन्ने हैं, ये पन्ने पोथी नहीं है, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भगवान श्री कृष्ण जब धराधाम को छोड़कर जाने लगे थे, तब भगवान ने ही जाते जाते भक्तों से कहा था, भक्तों ने कहा प्रभु अब हम आपके बिना कैसे रहेंगे, तब भगवान ने कहा कि हम जा नहीं रहे, हम इस भागवत में समा रहे हैं, जहां जहां भागवत होगी वहां वहां हम प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। भागवत भगवान जी गए नहीं, भगवान जी भागवत में समा गए। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, भागवत स्वयं भगवान है। जिसके सिर पर ये भागवत जी आती है ना, किस्मत वाला होता है। भागवत जी सिर पर लेके चलने वाला परम भाग्यशाली होता है। लाखों करोड़ों लोगों में दो चार लोगों को मौका मिलता है। इसलिए सुनने का तो मिला है, सुन तो लें हम, वह कल्याणकारी है। इंद्र के अहंकार को भगवान ने नष्ट किया। एक बार इस कथा को देवर्षि नारद जी ने भी सुना। नारद जी, हाँ नारद जी, चारों धाम की यात्रा करके नारद जी आए, पर मन नहीं लगा गए। शांति पाने के लिए नारद जी सारे तीर्थों में गए, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हर क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हर क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ, सारे तीर्थों में नारद जी गए, पर नारद जी कह रहे हैं हमें कहीं शांति नहीं मिली। शांति की चाह लेकर गए थे, शांति नहीं मिली। वृंदावन में नारद जी को क्या मिला? एक बूढ़ी स्त्री मिल गई, जवान स्त्री मिल गई, बूढ़े पुरुष, एक पुरुष इस तरफ एक पुरुष, बूढ़ी सी, बूढ़े बूढ़े पुरुष और बीच में एक महिला सुंदर सी। नारद जी ने कहा, देवी कौन हो, को भगवान? उस देवी ने कहा, महाराज मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति रितिख्याता, मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य है, काल के प्रभाव से ये जीर्ण शीर्ण हो गए, काल है ना, कलयुग ने बूढ़ा कर दिया। भक्ति ने कहा, महाराज जी कोई कथा भागवत सुनाओ, कोई करो तो हमारे बच्चे जवान हो जाएं, कोई प्रयास करिए। तब नारद जी बोले, मैं इनको भागवत सुनाता हूं। पहले गीता सुनाए, वेद पुराण सुनाए, पर उनकी मूर्छा नहीं टूटी ज्ञान और वैराग्य की। तब नारद जी ने सनकादियों के मार्गदर्शन पर भागवत श्रवण कराई। कहां पर? हरिद्वार की पवित्र भूमि, गंगा का किनारा, रेत से बिछा हुआ सुंदर सा स्थान था, कुछ बिछाने की जरूरत नहीं थी, पेड़ की बढ़िया सी छांव थी, चार आसन लगाई, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों बैठ गए और कथा शुरू हो गई। कथा की केवल महिमा गाई कि सदा सेव्या, सदा सेव्या, श्री मद्भागवते कथा, यस्यः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए मेरी माँ जीवन में? कि राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान का नाम बोलते रहो, बोल, कभी नाम नहीं छोड़ना मेरी माँ। कितना भी जीवन में समय विपरीत आ जाए, आप भगवान करे कि आपके जीवन में आनंद ही आनंद बना रहे, कभी कष्ट ना आए, पर कभी विषम परिस्थितियां आ जाए, उस हाल में भी राम नाम मत छोड़िएगा। वो सहारा है हम सबका, वो राम नाम सहारा है, कभी मत छोड़िएगा।
आखिरी टाइम तक जपते रहिएगा। वो नाम दो अक्षर का नाम ही नौका है, जिस नौका में बैठ के आपको भवसागर को पार करना है। वो नाम ही नौका है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम की बड़ी महिमा है। अब भक्ति महारानी भागवत की महिमा सुन सोचिए। भागवत ऐसा ग्रंथ है जिस भागवत से भक्ति ज्ञान और वैराग्य को भी शांति का अनुभव हुआ, आनंद का अनुभव हुआ। जब भागवत सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य को आनंद मिलता है तो हम लोगों को आनंद नहीं मिलेगा? ज्ञान वैराग्य को मुक्ति मिल गई उनके बुढ़ापे से, भक्ति को मुक्ति मिल गई उसके दुख से, क्या हमें मुक्ति नहीं मिल जाएगी हमारे दुखों से? भागवत में लिखा है कि जो व्यक्ति जिस संकल्प से भागवत सुनता है, भागवत जिस व्यक्ति का वो संकल्प निश्चित पूरा करती है। यदि आपको पुत्र चाहिए तो भागवत पुत्र देंगी, यदि आपको मोक्ष चाहिए तो मोक्ष देंगी, आपको धन चाहिए तो भागवत जी धन देंगी। जो भी कामना है वो कामना को लेकर प्रेम पूर्वक साथ देने, यदि प्रेम से भागवत सुनी जाए और भागवत के बताए मार्ग पर चलकर देखा जाए तो जो इच्छा होगी वो भगवान निश्चित पूरी करेंगे। आप करके देख लीजिएगा। जिनके पुत्र नहीं होता उनको पुत्र मैंने देखा है। हमने बहुत पहले कथा सुनाई थी, हमारे एक परम भक्त हैं, ठाकुर जी के भक्त हैं, हमारे शिष्य हैं, उनके संतान नहीं थी। भागवत जी उनने सुनी, इसी उद्देश्य से सुना कि हमें पुत्र हो जाए, पुत्र नहीं था। भागवत सुनी भक्तों, उनके घर पर जुड़वा दो बच्चे पैदा हुए, बेटे पैदा हुए, आज भी हरा भरा परिवार है, आनंद। भागवत का प्रभाव है। मोक्ष चाहिए प्रेत बाधा से किसी को, कि हमारे पूर्वज हमें परेशान कर रहे हैं, मोक्ष चाह रहे हैं, पितृ दोष चल रहे हैं, भागवत वो भी करती है। भागवत जो मांगेंगे सब देंगे, क्योंकि ये भगवान है। ये सात दिन का जो दरबार लगा है, ये गोविंद का दरबार है। इन सात दिनों में भगवान कहते हैं कि दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। विश्वास लेकर आओगे तो मनोकामना निश्चित पूरी होगी। इसलिए आज ही आपके अंदर कोई कामना हो, हम तो पहली बात ये कहेंगे कि सांसारिक कामनाएं नहीं होनी चाहिए। पर आपका मन नहीं मानता, कोई कामना है तो कर सकते हैं, भाव से कर सकते हैं कि हे प्रभु, हे भागवत जी, हमारी इच्छा पूरी कर दो, निश्चित करेंगे। पर उसके बाद एक शर्त है कि उसके बाद आपको रोज आधा घंटा भगवान का कीर्तन अपने घर पर रोज करना होगा। इच्छाएं मुरादें पूरी होने के बाद भूल मत जाइएगा। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अब आपकी भगवान ने सुनी है तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ज्यादा से ज्यादा भगवान को याद करें, और ज्यादा याद करें। 24 घंटे में हर पल बस नारायण नारायण नारायण, राम मेरे राम, मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण, बस जहां भी बात करो, किसी से भी बात करो, बस मेरे कृष्ण की बात होनी चाहिए, मेरे राम की बात होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें वो दिया जिसकी हमें कामना थी। हम कृतज्ञता नहीं, हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, कृतघ्नि नहीं है, हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हमें कोई देता है ना एक गिलास पानी भी, तो हम उसके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं कि आपने हमें गिलास भर पानी पिलाया, तो भगवान ने जो दिया उसका धन्यवाद शुक्रिया। हाँ, श्री भक्ति महारानी का सारा कष्ट समाप्त हो गया और प्रेम पूर्वक कथा संपन्न हुई। नारद जी को एक डाउट हो गया। नारद जी ने कहा, प्रभु कथा सुनकर कोई पुण्यात्मा तर जाए तो आश्चर्य नहीं है, कथा सुनकर कोई पापी तर जाए तो नो डाउट नो आश्चर्य, परंतु जिसने जीवन भर पाप किया है क्या वो व्यक्ति तरेगा? बोले हाँ। कौन तरेगा? ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिगा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। भागवत जी में लिखा है कि कितना भी बड़ा पापी हो, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाशहि तब ही। कितना भी बड़ा पापी हो, यदि वो भागवत सुनता है तो निश्चित उसका कल्याण होके रहता है। कितना भी बड़ा वीआईपी पापी क्यों ना हो, भागवत सुन लेगा तो निश्चित कल्याण होगा। किसका हुआ? बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहा करते थे। अब ये कथा आपकी और हम सबकी है, जरा मिलजुल के सुनते हैं।
बहुत बढ़िया कथा है, सावधान होके सुनते हैं। मैया जी भूख लग रही हो तो बच्चा है भोजन अभी नहीं, नींद आ रही हो तो कल से गद्दे भी डलवा देंगे नहीं, तो प्यास लग रही है पानी पिलवा दें आपको हाँ, कल से एक एक बोतल लेके आया करो पानी भर के खुद, ताकि आपको प्यास लगे तो पी सको। और प्रेम से कथा की गंगा में हमें डूबना है। श्री सनकादि एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे गांव था, गांव का नाम था उत्तमपुर। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव, उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी के घर पर सब कुछ था, नाम था, पद था, प्रतिष्ठा थी, दो पैसे कमाते थे, समाज में नाम ख्याति भी थी। एक पुत्र की लालसा, हाँ कर लो बतिया लो पंचायत कर लो, पंचायत करनी तो आए अपन लोग। पंडित जी पंडितानी बड़े प्रेम से रहा करती थी। आत्मदेव जी के घर पर एक चीज की कमी थी, उनकी संतान नहीं थी, पुत्र। और पुत्र मोह सबसे खतरनाक होता है, जिसके हो जाए वो तो ठीक है, जिसके नहीं होते ना वो बेचारी रोती। सबसे ज्यादा हमारी माँ बहन रोती हैं, बेटा नहीं बेटा बेटा, और वो तो जैसे तैसे कथा सुन सुन के अपने आप को समझा लेती है, पर उसकी सास उसको डंक मारती रहती है, तेरे बेटा नहीं है बेटा नहीं है। और ननन तो दस लेती है, और घर परिवार से बची तो अड़ोसी पड़ोसी खाते हैं, जहां जाए बेचारी दो बात पूछते हैं, क्यों ठीक है सब, क्या ठीक है। सारे हमारे भारत में ना ये विचारधारा सबने अपना दिमाग सेट कर रखा कि बेटा चाहिए ही चाहिए। अनपढ़ लोग नहीं, पढ़े लिखे लोग भी अपनी बेटियों को पेट से गिरवा देते हैं। भ्रूण हत्या अनपढ़ आदमी तो ठीक, उसकी तो माने कि अनपढ़ आदमी है भाई, पर पढ़े लिखे लोग भी ना, अभी एक कुछ दिन पुरानी घटना है, एक लड़की को तेल छिड़क कर आग लगा दी, जिंदा जला दी। किस लिए? क्योंकि उसकी बेटी थी, बेटा नहीं था। सच्ची घटना, जिंदा जला दिया लड़की को ससुर ने, सास ने, पति ने मिलकर। बेचारी डिप्रेशन में चली गई और बिल्कुल तेल डाल के लगा दी आगे, और बाद में सिद्ध कर दिया कि इसने खुद मर गई क्योंकि बेटा नहीं था डिप्रेशन में। पहले तो उसे इतना टॉर्चर किया कि वो डिप्रेशन, समाज को लगा कि ये पागल सरीकी हो गई है, अब पागल हो गई है तो खुद मर जाएगी, ऐसा माहौल बना दिया और लगा दिया परिवार में। केस भी खत्म हो गया, कौन छानबीन करेगा, जलाने वाले मौत से घूम रहे हैं, लड़के की दूसरी शादी हो गई, खत्म बात। ये एक केस नहीं है, यदि भारत को उठाकर देखा जाए, पन्नों को उठाकर देखा जाए तो लाखों ऐसे केस मिल जाएंगे आपको, जहां बेटी हो जाने पर पत्नी को, बहू को टॉर्चर किया जाता है। भाई आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बेटी और बेटा, मुझे लगता है कि बेटा आम बात है पर बेटी महान बात है। कहते हैं बेटा भाग्य से पैदा होता है, भाग्य मतलब एक ही भाग्य काम कर जाता है, बेटा भाग्य से पैदा होता है, जबकि बेटी सौभाग्य से पैदा होती है, 100 भाग्य से, जब 100 भाग मिलते हैं तब बेटी होती है। तो बेटी बुरी है बेटा अच्छा है, ऐसी थिंकिंग यदि भारत की है तो ये मान लो कि हम लोगों ने आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत भले कर लिया हो, पर मानसिक रूप से अभी आप मजबूत नहीं हो पाए, मानसिकता नहीं बदली अभी तक हमारे भारत की,
स्वच्छ भारत के तहत हमें अपने विचारों को भी स्वच्छ रखना होगा। केवल शहर को स्वच्छ रखने से काम नहीं चलेगा। गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल सारा निकाल के डाल दिया, अरे ये घटिया सोच भी तो निकाल के डाल दो उस गाड़ी में कि बेटी बेटे के प्रति जो भाव गलत है ये भी तो डाल दो उस कचरे की गाड़ी में, तब तो स्वच्छ भारत बनेगा। हाँ, यही स्वच्छ भारत जहां समान दृष्टि हो, बेटी है तो खुश, बेटे हैं तो खुश, और कुछ भी नहीं है समस्याएं उनकी ज्यादा है जिनके कुछ नहीं है, वो रोते हैं भगवान एक बेटा तो मिल जाए, एक बेटी तो मिल जाए। क्यों मिल जाए? मिल जाए तो अच्छी, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि जिनके नहीं है उनके हो जाए, और जिनके नहीं है ना बेटा उनका मैं बेटा बनने को तैयार हूं, निश्चिंत रहूं। हम बेटे हैं और हम जैसे तमाम लोग आपके बच्चे हैं। वृद्धाश्रम इसलिए बना रहे हैं ताकि माँ वहीं रहे, और प्रेम से बहुत सारे बेटे हैं सेवा करने वाले, और जिनको बेटे नहीं है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सबसे खुशनसीब और पुण्यात्मा लोग हैं जिनके बेटा नहीं होता। कैसे? मीरा, यदि आप कहती हो कई बार आप ना ताने मारती हो, अभागिन है वो जिसको बेटा नहीं होता, ऐसा आप कहते हैं, हम नहीं, आप क्या कहते हैं? ये अभागिन है। क्या है ये? अभागिन है। यदि बेटा जिसको नहीं होता वो अभागिन है, तो मीराबाई भी अभागिन है उनके हिसाब से, उनके भी तो बेटा नहीं था। अरे बेटे को पाने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। मेरी माँ गोविंद को पा लिया मीराबाई ने, तो कितनी महिलाएं उनके टाइम की मर गई कौन याद करता है? मीराबाई है कि मरती ही नहीं, सबके दिलों में राज कर रही है। जो गोविंद से संबंध रख लेता है ना मेरी माँ, वो मरता ही नहीं। मीरा के टाइम की लाखों महिलाएं मर गई कि नहीं? आप में से किसी को एक का नाम याद हो तो बता दो। मीरा की जिठानी, मीरा की देवरानी, मीरा की ननद, मीरा के गांव के, मीरा के पड़ोस के, क्या लोग वहां खाली था? सब तो थे, ताने मारने वाले वहां भी तो थे जिनके 10-10 बेटे रहे होंगे, उनमें से किसी का नाम जानते हैं आप? और मीरा के बेटा नहीं था तो आप लोग नाम जानते हैं? बेटा से कोई महान नहीं होता मेरी माँ, आप समझते नहीं है। ये शरीर बेटी को पाने, बेटा बेटी हर जन्म में मिलते हैं, कुत्ता बिल्ली को भी बेटा होता, बच्चा होता कि नहीं? उनको बिल्ली भी माँ बनती कि नहीं? चींटी को भी बच्चा होता है कि नहीं? हथिनी को भी बच्चा होता है कि नहीं? मछली को भी बच्चा होता है कि नहीं? सुअर को भी बच्चा होता है कि? नाली के कीड़े को भी बच्चा होता है ना उसकी मादा को? बच्चे हर जन्म में हर योनि में मिलते हैं, पर हर योनि में भगवान नहीं मिल सकते, केवल मनुष्य के तन से मिल सकते। यदि इस शरीर से आपने उसे नहीं पाया तो रोती रहो फिर बेटे के लिए। दुनिया कहती है कहने दो, चूल्हे में जाने दो, दुनिया को ताने मारती ना मारने दो ना, क्या घट रहा हमारा? ताने तो सीता मैया को भी लोग मारते थे कि वो रावण के पास रह के आइए 11 महीने, हम तो नहीं स्वीकार करेंगे सब ऐसा। ताने मारने वाले भाई ये चुप नहीं बैठने वाले लोग, तुम अच्छा बन जाओगी तो भी तुम्हें ताने मिलेंगे, बुरी हो तो फिर ताने तो मिलेंगे। इसलिए समाज की परवाह नहीं करना चाहिए। हमारा शास्त्र जो हमें कहे, आध्यात्म में अपना मन लगाओ, पति पत्नी प्रेम से रहो, और बेटा है तो खुश, नहीं है तो खुश। राम को बेटा बना लो ना अपना, कृष्ण तुम्हारे बेटे, यशोदा के कौन बेटा था चलो बताओ? यदि आप कहती हो कि बेटा जिसके नहीं होता वो अभागिन होती, तो यशोदा मैया भी अभागिन होगी आपके हिसाब से, उसके भी तो बेटा नहीं था। यशोदा मैया के बेटे का नाम बताओ, नहीं था ना? वो तो देवकी का बेटा ना पाल लिया। यदि यशोदा देवकी के बेटे को पाल कर उसे अपना बेटा कह सकती है, तो आपके अड़ोस पड़ोस में जितने बच्चे हैं आपके ही बेटे हैं, क्यों परेशान हो रही हो? मान लो ना आपके बेटे हैं। हाँ, आपके बेटे हैं। वृंदावन में वृद्धाश्रम बन रहा है जिनके 4-4 बेटे, उन बच्चों ने अपनी माँ को छोड़ दिया, वो 4 बेटे काम नहीं आए। ये दास अनिरुद्ध जिससे तन का संबंध नहीं था, केवल मन के संबंध से उनकी सेवा चल रही है। खून का रिश्ता नहीं था पर मन का रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है, इंसानियत का रिश्ता है। उन माओ की सेवा के लिए सारा काम चल रहा है। आप लोग उनकी बेटियां बन रही हैं, आप उनके बेटे बन रहे हैं। इंसानियत मत मरने दीजिए आप अपने, लोगों के बहकावे भड़कावे में मत आइए,
आप अपना आनंद मत खोइए। ये मानव का तन जो है आनंद के लिए मिला है, इसके बाद ये कब मिलता है ये राम ही जानते हैं। ये मानव का तन आज जो मिला है ना आपको, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये इसके बाद कब मिलता है? अब रोती रहो आप, रो रो के निकाल दो। अरे एंजॉय करो जीवन को, हंसो मुस्कुराओ, नाम लो भगवान का, जीवन को समझो। किस लिए तुम पैदा भई हो? रोने के लिए या कुछ कर दिखाने के लिए, कुछ करने के लिए? कमरे में बैठ के रोने से क्या होगा? डिप्रेशन में जाने से किसका नुकसान है? लोगों का कुछ नहीं बिगड़ना, मेरी माँ, लोग तो ताने मारेंगे आज भी कल भी, पेट भर के खाएंगे सो जाएंगे। आप परेशान मत होइएगा। आत्मदेव जी को भी यही प्रॉब्लम थी, उनको ताने लोग मारते थे, बेटा नहीं है बेटा, बेचारे इतने परेशान हो गए, घर छोड़ के निकल गए। जंगल में एक बाबा जी मिल गए, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बली असी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारण, बोल तुझे क्या परेशानी है? कहा आत्मदेव जी ने, मेरे बेटा नहीं है ये परेशानी। संत जी बड़े हंसे, राम राम राम, बेटा नहीं इसकी परेशानी लेके घूम रहा। अरे बेटे की छोड़, मेरे भी कोई बेटा नहीं है, संत जी बोले। हाँ, सन्यासियों का कहाँ बेटा, स्वामी विवेकानंद के कहाँ बेटा था बताओ, नाम बताओ स्वामी विवेकानंद जी के बेटे का, स्वामी श्री कृपात्री जी के बेटे का नाम बताओ, अखंडानंद जी के बेटे का नाम बताओ, कहाँ नाम था, क्या नाम था, हो थे नहीं बेटे। तुलसीदास जी के बेटे का नाम बताओ, कबीरदास जी के बेटे का नाम बताओ, सूरदास जी के बेटे का नाम बताओ, है? तो बिना बेटे वालों का कल्याण नहीं होता क्या? यदि आप कहें कि बेटा है तो कल्याण होगा, तो सूरदास जी के बेटा नहीं था, तुलसीदास जी के बेटा नहीं था, कबीरदास जी के बेटा नहीं था, स्वामी विवेकानंद जी के बेटा नहीं था, कि इनका कल्याण नहीं हुआ? बेटे के बिना कल्याण रुक गया? मेरी माँ, ये थिंकिंग कब की पुरानी, कचरे पर डस्टबिन में डालनी चाहिए सोचे हमें। 21वीं सदी में जी रहे हो, कहाँ बेटा बेटी के लिए रो रहे हो? जो है आनंद से, बेटा बेटी से ज्यादा कीमती ये मानव का तन है, ये मिल गया ना, अब भगवान का भजन करो। इस तन से भगवान को पाया जा सकता, और क्या चाहिए तुम्हें? ये मौका है, ये बेटा बेटी पाने के लिए भगवान ने शरीर नहीं दिया, तुम पा रहे हो अलग विषय है। ठीक है, आत्मदेव जी नहीं माने, हमें तो बेटा चाहिए चाहिए चाहिए। संत जी ने एक फल पढ़ के दे दिया, मंत्र पढ़ के ले खिलाना पत्नी को, बेटा होगा। पत्नी को फल खिलाया, धुंधली लो फल खा लो, संत जी ने मंत्र पढ़ के दिया है, अब धुंधली और उल्टी, कहने लगी मैं फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, और खाऊंगी गर्भवती हो गई और मेरे घर में चोर घुस गए तो भागूंगी कैसे? मैया को उठाना, वो देखो सो रहे हैं बाजू। क्या करे, नाती पोते सोने दें, कथा में ही आनंद मिलता है। देखो कितना कथा में कितनी शांति मिलती है कि नींद आने लगती है। ये बिल्कुल सही बात है, पिक्चर देखने में नींद नहीं आती 3 घंटे, और कथा भी 3 घंटे की, नींद आने लगती है। अच्छा, एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज ऐसा क्यों, पिक्चर देखने में नींद नहीं आती कथा में नहीं? हमने कहा ऐसा है कि पिक्चर देखने से ना मन अशांत तो होता है ना, पिक्चर में क्या क्या सीन होते हैं, गंदे गंदे सीन आ गए, मन भटक गया, ये सीन आ गया, वो सीन आ गया, मन विचलित हो गया। पिक्चर जो है वो मन को अशांत करती है, इसलिए नींद नहीं आती, जबकि कथा से मन शांत होता है। नींद तब आती है जब मन को शांति मिलती है, तो ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कथा मन को शांत करती है, इसलिए कथा सुननी चाहिए। कथा मन को क्या करती है, शांत करती है, केंद्रित करती है, हाँ या ना? आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, कथा में बैठ के मन को शांति मिल रही है कि नहीं? मिलेगी, कथा का प्रभाव ही पॉजिटिव है, यही प्रभाव। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मदेव जी ने फल पत्नी को रखा, खाओ, पत्नी बोली मैं पूजा कर लूं खाऊंगी, आत्मदेव जी चले गए। पड़ोसन के सामने बोली बहन मैं फल खाऊंगी, गांव में चोर, घर में चोर आए मैं भागूंगी कैसे?
पड़ोसन बोली, बहन काहे को चोराएंगे, काहे उल्टा सोच रही है। अरे चल कोई बात नहीं, चोर नहीं आए, मैं गर्भवती हो गई, पेट बड़ा हो गया, मेरे घर में आग लग गई तो मैं मर नहीं जाऊंगी चल के। अरे काहे को आग लगेगी, क्यों उल्टा सोच रही है। अच्छा वो तो सब ठीक है, मेरे बेटा यदि मैं गर्भवती होगी, पेट बड़ा हो गया, डॉक्टर कहेगा मैडम आराम करो, मैं आराम करूंगी तो घर का काम कौन करेगा। पड़ोसन बोली, ननंद को बुला लेना, वो कब काम आएगी। बेटा होने के बाद बड़ी झोली लाती है, बधाई दो, काम कराना खूब, 15-2-3 महीने पहले बुला लेना। हमने तो अपनी ननंद को बुला लिया था, और खूब बर्तन धुलवाए वासे, खूब झाड़ू पोछा मरवाया, काम वाली की छुट्टी कर दी 3 महीने, आ गई काम वाली। इसको फिर जितना देंगे 3 महीने का हिसाब करके दे देंगे, सांप भी मर गए लाठी में, इसकी बधाई भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा। तू भी ऐसी करना, आपकी भाभी बुलाई होगी ना आपको इस टाइम, समझ लेना कि हिसाब बराबर करने बुलाई। वैसे विनोद कर रहे, झगड़ा मत करना, मैं कहने लगो महाराज जी ने बोला सही बोल रहे क्या, झगड़ा नहीं करना। धुंधली फल को नहीं खाया, बहन आ गई बोली, बहन फल वल खाने से कोई बेटा होता, मैं गर्भवती हूँ, मेरा बेटा तू रख लेना, कुछ पैसे दे दे, और ये फल का क्या करें। बोले गाय को खिला दे, बाबा जी का फल प्रभावशाली है कि नहीं पता चल जाएगा। गाय भी थी, उनके भी कोई बछड़ा बछड़ी नहीं था, गाय भी ऐसी थी, गाय को खिलाया फल, और धुंधली ने पेट में कपड़ा बांध के घूमना शुरू कर दिया ताकि दुनिया वालों को लगे फल प्रभावशाली है। कुछ दिनों के बाद डिंडोरा पीट दिया कि बेटा हो गया, क्योंकि बहन को बेटा हो गया, बहन का टाइम पूरा हुआ, बेटा हुआ, पैसे देकर धुंधली ने फल बेटा खरीद लिया और डिंडोरा पीट दिया, बेटा हो गया। ठीक 3 महीने बाद गाय को भी एक सुंदर सा बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण, कान गाय की तरह थे, शरीर देवताओं की तरह, नाम गौकर्ण रखा और धुंधली के पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। कियत काले न तौ जातौ तरुणौ तनयाबुभौ गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महा। इसलिए कहता हूं मान लो, हाँ इसलिए हम कहते हैं कि मान मेरा कहना, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। कान भी चालू रखिएगा और अपनी बुद्धि बहुत चालू रखिएगा समझने के लिए कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाथ उठा के
मेरा बेटा अच्छा है, साथ छोड़ देगा पड़ोसी बन जाएगा, शादी होगी लुगाई को लेके भाग जाएगा, रोती रह जाना। फिर कहोगी मेरी बेटी अच्छी है, उसका भी बोलता हूँ सुनना, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना मेरा कहना नहीं तो बचताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, कई बार आप लोग कहते ना हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, ये पड़ोसी कितने अच्छे हैं वो सुन लेना, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा, पड़ोसी तो यही फर्ज है उसका, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मेरा कहना नहीं तो बचताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा, सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो बचताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए कहता हूँ धन दौलत का अहंकार मत करना, लाल किला दिल्ली में है, कल तक उस लाल किला में बड़े बड़े राजा महाराजा रहा करते थे, आजकल चमगादड़ों ने अपना घर बना रखा है, हाँ ये कोठी बंगले बड़े बड़े मिट्टी में मिल गए, झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं है, हाँ मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे, 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 कर्म न कर तू जग में गंदे, कर्म न कर तू जग में, क्योंकि जैसा बीज बोया तू वैसा फल पाएगा, जैसा बीज बोया तू वैसा ही पाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो बचताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो बचताएगा।
पिता तेरा कुटुंब कबीला विपदा पड़े पर कोई न किसी का एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा एक दिन हंसा मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा अभी भी समय है मान लो कहना बाद में मत कहना कि हमको किसी ने कहा नहीं कहे तो हैं हम भगवान से आप बहाना करेंगे भगवान जी हमें तो पता ही नहीं था कि सत्य बोलना चाहिए सही काम करना चाहिए भगवान बोले भेजी तो थी अनिरुद्धाचार्य को बताने के लिए तुम सुने कहां भगवान ने हमें भेजा है आपको मार्ग दिखाने के लिए जाओ बता के आओ इन लोगों को वैसे आप लोग मार्ग में हैं सही मार्ग में फिर भी भगवान प्यार करते हैं आपको तो हमको भेजते रहते हैं आपके पास जाओ इनको बता के आओ ये तो कृष्ण का प्रेम है आपके प्रति जैसे हनुमान जी ने राम जी ने हनुमान जी को दूत बना के लंका भेजा कि नहीं आग लगाने के लिए ऐसे हमें भी भगवान ने भेजा है जाओ इनके पापों में आग लगा के आओ सारे पाप जला के आओ आपके पापों में आग लगाने के लिए भेजा रावण की पाप की लंका में आग लगाई कि नहीं हमें भी भेजा जाओ तो सारे पाप जल जाने चाहिए भक्तों अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा जीवन मिला है परोपकार करने के लिए जितना परोपकार कर सको मन लगा के करो जितना अच्छा कर सको कर लो बाद में अच्छा करने का मन होगा कर नहीं पाओगी एक मैया मेरे पास आई महाराज जी 10 रुपए ले लीजिए हमने कहा दे दो चढ़ा दो भागवत जी को रोने लगी हमने कहा क्यों रोती हो मेरी माँ बोले महाराज जी हमारी इच्छा थी कि हम जो आप वृद्धाश्रम बना रहे हैं वृंदावन में उन वृद्ध माओं में से एक माँ को हम गोद लेना चाह रहे हैं जीवन भर हम उसको भोजन देना चाह रहे हैं हमने कहा जब देना चाह रही हो तो दे दो मेरी माँ तो महाराज जी मेरी बहुत सारी संपत्ति थी अभी पिछले महीने सारी दौलत एक बड़ा सा बंगला था और 20-25 एकड़ जमीन थी पूरी मैंने बेटे के नाम की मैंने कल बेटे से कहा कि बेटा मुझे 21,000 दे दे वो वृद्ध माताओं के लिए गोद लेना है 21,000 में उनको जीवन भर भोजन मिलता है तो एक पुण्य मेरे से कर लेने दे बेटा बूढ़ापा है आज तक कोई पुण्य किया नहीं यदि मेरे नाम से कोई बूढ़ी माँ भोजन करे तो इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है तो मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा मुझे 21,000 रुपए दे दे तो बेटे ने कहा माँ इतना सारा दान करेगी नहीं दिया महाराज बेटे ने पैसा मैंने करोड़ों की उसे दी तो उसने हंस के रख लिया लेकिन मैंने मांगा धर्म के लिए 10 रुपए मेरे पास थे वही मैं दे रही हूं तब मैंने उस मां से कहा मां तेरे अंदर देने का इतना बड़ा भाव है ये 10 रुपए 10 लाख के बराबर है चिंता ना कर भीख मत मांग अपने बेटे से बहुत है ये 10 रुपए भक्तों जब तक आप दान कर सकते हैं कर लीजिए नहीं ऐसा टाइम आएगा कि दान करने का मन तो होगा कि मैं भी दे देता मैं भी दान कर लेता पर आपके हाथ बंधे होंगे चाहोगे तो कर नहीं पाओगे इसलिए वृंदावन में वृद्धाश्रम उन वृद्ध माताओं की सेवा के लिए है जहां अपनी बेटी अपने अपनी बहू और अपने पुत्र ने घर से निकाल दिया ऐसी वृद्ध माओं के लिए यदि आप हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो हम किससे अपेक्षा रखेंगे और ये कार्य आप सभी का है सेवा का भाव है बस सच एक बाबा जी भीख मांगते थे गांव में जाते थे भीख मांगते थे एक दिन किसी ने कहा कि बाबा जी तुम भीख क्यों मांगते हो तब बाबा जी ने कहा कि बेटा जब मैं आपके घर आता हूं ना मैं भीख मांगने रोज रोज नहीं आता मैं भीख मांगने कब आता हूं उस संत जी ने कहा कि जब मैं देखता हूं कि इसके घर पर विपत्ति आने वाली है इसके घर पर संकट आने वाला है
तो मैं जाता हूँ तेरे घर पे और दान के बहाने तेरी विपत्ति मांग कर ले आता हूँ। वह विपत्ति टल जाती है, तू दान कर देता है। तो भक्तों, जब कोई आपसे कहे कि सेवा के लिए दान करिए, तो आप जो धन देंगे वो धन नहीं होगा, आपके जीवन में आने वाले संकट धन के रूप में आप सब दे देते हैं और आपको संकट, आपके जीवन के बड़े बड़े संकट टल जाते हैं दान करने मात्र से। कहते हैं दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से मनुष्य की दुर्गति मिट जाती है। इसलिए दान करने का बड़ा महत्व, राजा हरिश्चंद्र दान करके ही अपने आप को अमर कर लिए कि नहीं। और हमारे दान करने से यदि किसी बूढ़ी माँ का पेट भर रहा हो, वृंदावन तक हमारा धन पहुंच रहा हो, तो नुकसान क्या है? 21,000 कोई बड़ी रकम नहीं है आजकल कि आपका बहुत सारा धन कम हो जाएगा। आप 21,000 आजकल बच्चे शराब पीकर, सिगरेट पीकर धुएं में उड़ा देते हैं। आपके वो 21,000 बैंक में जमा होंगे, आप हमारे आजीवन सदस्य भी बन जाएंगे और आपके सहयोग से एक माँ को रोटी, एक माँ के सिर पे छत, एक माँ के पेट में रोटी, एक माँ के शरीर में कपड़ा और एक माँ के स्वास्थ्य के लिए दवाई, डॉक्टर उपलब्ध हो जाएगा आपके 21,000 से। इतने से सहयोग से यदि किसी का घर बस रहा है, किसी बूढ़ी माँ को सहारा मिल रहा है। बहुत जर्जर हालत है वृद्ध माँ की, मैं आपको बताऊंगा, कभी वृंदावन आना, ठाकुर जी चाहेंगे तो आप मिलेंगे, आइएगा, दर्शन करिएगा उन वृद्ध माओं का। आपके सहयोग की जरूरत उन माओं को है, कुछ भक्तों ने सहयोग दिए हैं। यदि आपको लगता है कि आपका भी धन उस माँ तक पहुंचना चाहिए, उस माँ के पेट तक रोटी बनकर पहुंचना चाहिए, तो अपने भी सहयोग के हाथ बढ़ाइएगा। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है और सहयोग केवल एक बार नहीं होता। जैसे बेटी को विदा कर देता है पिता, तो क्या विदा करके भूल जाता है? नहीं नहीं, जीवन भर उसका हाल चाल लेता है जरूरत पड़ने पे। ऐसे ही आप एक बार सहयोग करके भूल मत जाइएगा, आपकी ही माँ है। हर पल जैसे आपको रोज रोटी की जरूरत पड़ती है, माँ को रोटी की जरूरत पड़ती है, तो आपका सहयोग के हाथ, धर्म के हाथ बढ़े रहें, बढ़ते रहें। पुण्य के लिए ईश्वर उन्हीं के हाथ थामता है जिनके हाथ परोपकार के लिए बढ़ा करते हैं। कुछ भक्तों ने सहयोग दिया है, आइए ऐसे महान दानवीरों के नाम सुनते हैं। श्री राधे, एक बार दोनों हाथ श्रद्धा भक्ति भावना के साथ उठाकर बोलेंगे, बोलिए श्री राधे राधे। हमारे बीच में कुछ गणमान्य अतिथिगण यहाँ पधारे हुए हैं, मैं जिन मान्यवर का नाम लूं वो शीघ्रता से आप मंच पर आते रहें। ये सभी गणमान्य अतिथिगण हमारे कोष्ठी समाज के सभी सामाजिक वरिष्ठ जन है। आइए, टी आर कोष्ठा जी, आपका अभिनंदन है, आप शीघ्रता से मंच पर आए। साथ ही बी एस रिमझा, टी आर कोष्ठा जी आप रिटायर तहसीलदार हैं, आप शीघ्रता से मंच पर आए। बी एस रिमझा जी आप भी आए। टी आर भोर साहब, भक्तराज जी नंदवाल एवं प्रकाश साहूकार जी, साथ ही प्रहलाद जी कॉल, बबलू केसरी जी, नरेंद्र जी रिमझा, नवल श्रीवंश एवं हेमंत श्रीवंश, साथ ही पंकज जी रिमझा, जिन जिन महानुभावों का मैंने नाम लिया है वो शीघ्रता से मंच पर आते रहें। आज की पावन पवित्र बेला में किन्हीं दानवीर महापुरुषों ने आपके मध्य से ही उन वृद्ध माताओं की सेवा एवं आश्रय के लिए अपने सेवा सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं, पहले तो एक बार जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिनंदन करते हैं, उसके बाद में उनका नाम जानते हैं। आइए, 1100 रुपए सरोज वर्मा, आप नोएडा उत्तर प्रदेश से हैं, वृद्ध माताओं की सेवा के लिए ये धनराशि आप समर्पित कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सनो गुणेश सहारनपुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, 1100 रुपए नारायण उर्फ गोलू शुनबे इलाहाबाद से, 2100 रुपए प्रेमलता जी वर्मा, आप बोरीवली मुंबई से हैं महाराष्ट्र से, साथ ही 2100 रुपए अमरनाथ जी भटिंडा पंजाब से हैं, एवं 2000 रुपए प्रतिमाह आप वृद्ध माताओं की सेवा के लिए समर्पित करते रहेंगे। श्री परमजीत सिंह जी तलवाड़ा, आप होशियारपुर पंजाब से हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एवं 21,000 रुपए की धनराशि देकर जीवन भर के लिए एक वृद्ध माँ को गोद ले लिया है, आप एक वृद्ध माँ का सहारा बने हैं। श्रीमान नफे सिंह जी दीमान मुरथल सोनीपत से, एक बार जोरदार तालियां इन आप श्री भक्त के लिए जिन्होंने एक वृद्ध माँ को जीवन भर के लिए गोद ही नहीं लिया है, आप श्री हमारे सेवा संस्थान के सदस्य भी बन गए हैं। साथ ही हमें विशेष सहयोग प्रदान किया है स्वर्गीय श्री शांति जोगचंद जी की स्मृति में इंदौर से, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एवं 1100 रुपए जलगांव महाराष्ट्र से गुप्तदान के रूप में प्राप्त हुआ है। एवं विशेष सहयोग हमें ओझा कुमारी जी आसाम से भेज रही हैं वृद्ध माताओं की सेवा के लिए। एवं 2000 रुपए निर्मल गुप्ता जी चेन्नई से, 2100 रुपए जाहर सिंह जी आप पंजाब से दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपए जय लक्ष्मी बाई हैदराबाद से, 1000 रुपए गुप्तदान बिहार से हमें प्राप्त हुआ है।
इसी श्रृंखला में 1100 रुपए विनी कुमार जी पटना से एवं विशेष सहयोग रीता देवी जी पटना से, 1100 रुपए इंदिरा बहन बड़ोदरा गुजरात से, विशेष सहयोग इंद्रेश शर्मा खरखोद आप मेरठ से ये सहयोग राशि समर्पित कर रहे हैं। साथ ही जाहर सिंह जी धागड़ सागर से आप ये विशेष धनराशि समर्पित कर रहे हैं। श्रीमान अजय सिंह जी जमेनी आप फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हैं, आपने भी 1100 रुपए की धनराशि व्रत माताओं की सेवा के लिए समर्पित की है। एवं विशेष सहयोग हमें दिलीप दास जी आसाम सोमिलपुर से प्राप्त हुआ है एवं 21,400 रुपए की धनराशि समर्पित तो कर ही रहे हैं। साथ ही आप एक व्रत मा के जीवन भर के लिए धर्म पुत्र बने रहे हैं और आप गुप्त दान भी दे रहे हैं, अपना नाम भी नहीं लिखा रहे। एक बार जोरदार तालियां ऐसे भक्त के लिए जिन्होंने नाम से ज्यादा कहीं सेवा को सर्वोपरि समझा है। साथ ही इसी श्रृंखला में एक व्रत मा को गोद ले रहे हैं हरिओम गुप्ता जी पिता बाल मुकुंद जी पीलीभीत से, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही पार्वती देवी जी आप पांडेपुर वाराणसी से गुप्त दान समर्पित कर रही हैं 10,200 रुपए। मनोहर लाल जी डिंगरा दर्शना देवी जी एवं 3,000 रुपए प्रति महीने व्रत माताओं की सेवा के लिए समर्पित करते रहेंगे। प्रमोद जैन जी रीता जैन जी आप जोगवणी अरेरिया कोट से हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। सतीश बेरेदार जी आप भी शीघ्रता से मंच पर आए। साथ ही आज के इस पावन पवित्र बेला में अपने धन का सदुपयोग कर रहे, धन की आहुति लगा रहे सभी दानवीर महापुरुषों का बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों के लिए जिन्होंने अपने धन को पवित्र तो कर ही लिया है, अपने आप को सेवा और भक्ति से भी जोड़ लिया है। साथ ही यहां परिसर में उपस्थित सभी भक्तों से भी मैं अनुरोध करता हूँ, आप भी अपना नाम उन वृद्ध माताओं की सेवा की इस श्रृंखला में जोड़कर अमर कर सकते हैं जो नाम श्री धाम वृंदावन में पहुंचकर ठाकुर जी की भक्ति में तो लगेगा ही, ठाकुर जी के हृदय में भी आपका नाम बस जाएगा। आप सभी से मेरा यही अनुरोध। साथ ही साधना टीवी चैनल के माध्यम से अपने घर पर बैठ करके ज्ञान गंगा का शबड़ पान कर रहे एवं सभी हरि वैष्णव भक्तजनों को मैं ये निवेदन करता हूँ, आप भी अपनी सेवा सहयोग के हाथ उन ब्रह्माताओं के लिए अवश्य बढ़ाएं जिन्हें आज आपके सहारे की आवश्यकता है। कहते हैं जो थाम कर हाथ गैरों को अपनाते हैं, जो थाम कर हाथ गैरों को अपनाते हैं, मैंने सुना है बुरे वक्त में ईश्वर खुद उनके काम आते हैं, मैंने सुना है बुरे वक्त में खुद ईश्वर उनके काम आते हैं। हो सकता है कि आपको जब किसी सहारे की आवश्यकता हो तो ईश्वर आपको किसी ना किसी सहारे के रूप में कोई ना कोई भेज दे और आपका सहारा बन जाए। आइए सर्वप्रथम हम आपका सहारा बनते हैं। आज हम सामर्थ्यशाली हैं, सामर्थ्यवान हैं, हमारे पास जो भी सामर्थ्य योग्य है, देने योग्य है, आइए हम उसका सदुपयोग करते हैं, अपने समय का, अपने धन का और अपने आप को ठाकुर जी की भक्ति से तो जोड़ते ही हैं, सेवा से भी जोड़ते हैं। सभी भक्तों से मेरा यही निवेदन, आप अपना नाम श्री धाम वृंदावन तक पहुँचाना ना भूलें और सेवा के साथ साथ आप श्री ठाकुर जी से भी जुड़ जाएंगे। जब श्री धाम वृंदावन में आप हमारे सेवा संस्थान के मुख्य सदस्य बन जाएंगे जीवन भर के लिए और आपकी ये सहयोग राशि व्रत माताओं की सेवा में लग जाइए। आइए एक बार पुनः वापस कथा में चलते हैं, दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे राधे 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 राधे। आइए पुनः वापस कथा में चलते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मैया बैठ जाओ, जा रही हो क्या? तो फिर बैठो। ओ मेरी माँ अभी बैठ जाओ, अभी हम बुलाएंगे फिर आना, बैठ जाओ, बैठ जाइए। आरती के टाइम पे खूब पूजा करिए, ठाकुर जी को मन मंदिर में बसा के ले जाइए, बैठ जाओ। धुंधकारी ने अपने पिता पर अत्याचार किया, पिता ने पुत्र गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी घर से निकल गए। माँ को धुंधकारी ने मारा, माँ कुएं में कूद कर मर गई। 5 स्त्रियों से धुंधकारी ने संबंध रखा, वैश्याओं से। क्या परिणाम हुआ? उन 5 स्त्रियों ने धुंधकारी को गला दबाकर मार डाला। धुंधकारी की कितनी स्त्रियां थी? 5। वो इन 5 इंद्रियों का, 5 पत्नी 5 स्त्री मतलब 5 इंद्रियां, हम सबकी 5 इंद्रियां होती हैं। सबसे खतरनाक कौन सी इंद्री है? मैया जी शांति से बैठ जाओ, ये बच्चों को थोड़ा चुप कराओ, बहुत प्यार से बैठिएगा, बस थोड़ी आधे घंटे की कथा बची, इसके बाद फिर कल सुनाएंगे, आधा घंटा और प्यार से बैठिए।
हमारी पांच इंद्रियां हैं, पांच पत्नियां हैं। पहली इंद्रिय है आंख, ये ना अच्छा देखना चाहती, और मैं तो मानता हूं कि सारी फसादों की जड़ ये आंख है। सारे फसाद की जड़ क्या है? आंख। आंख देखती है इसलिए इच्छाएं होती हैं। बड़ा सा बंगला देखा, इच्छा हो गई यार अपना भी होना चाहिए। बड़ा सी गाड़ी देखी, इच्छाएं हो गई यार अपनी भी होनी चाहिए। ओ सराफे से माताएं निकलती हैं तो सोने कौन सा हार बड़ा है, ना ले तो देख तो लें। देखती आंख है तो इच्छा हो जाती है कि ऐसा हार हमारा भी होना चाहिए। और सोचो आंख नहीं हो तो आप कितने सुखी हो जाएंगे, फिर कोई परेशान नहीं करेगा, फिर आप सोना चांदी कितना भी पहने रहो आप देखोगे नहीं तो लगेगा नहीं ना। सारी फसाद की जड़ ये आंख है। ये आंख क्या है मेरी माँ? ये इंद्री है, ये रूप का बोध कराती है। इसलिए कहता हूं कि आंख जमाने को देखेगी तो जमाने को देखकर इसका पेट कभी नहीं भरेगा, ये चाह इच्छाएं बढ़ाती जाएगी। इसलिए कहते हैं कि आंख मिली है तो मेरे गोविंद के चरणों को देखा कर, उनकी मुस्कान को देखा कर आंखों का सार्थक हो जाएगा रहना आपके शरीर में। ये आंख केवल उनके लिए मिली है ताकि नाक से मेरे गोविंद की सुंदर सी बांकी झांकी मन मंदिर में बसाओ और बस आंख मूंद कर उसी बांकी झांकी का दर्शन करते रहो। मेरे बिहारी जी ऐसे हैं, मेरे श्रीनाथ जी ऐसे हैं, मेरे एकनाथ जी ऐसे हैं, बस बस बसाओ। ये आंख की सार्थकता है। दूसरी इंद्री है कान। कान चाहता है कि बढ़िया सा सुन ले, तारीफ सुन ले, निंदा और बुराई की तो बड़ी आदि है कान आदि, ये सुनना पसंद करते हैं, ये देखना पसंद करती है। तीसरी इंद्री है ये नाक, ये सूंघना पसंद करती है, इसे अच्छा अच्छा सूंघाओ। लोग परफ्यूम खरीदते रहते हैं, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, नहीं। परफ्यूम की खुशबू से काम नहीं बनता। आप ऐसा कर्म करो कि आपके अच्छे कर्म ही आपको खुशबू देने लगे, आपके अच्छे कर्म ही तो परफ्यूम का काम करेंगे। अब चरित्र से बिगड़े हो और परफ्यूम डाल रहे हो तो क्या मतलब, खुशबू चरित्र की होनी चाहिए, परोपकार की खुशबू होनी चाहिए, धर्म कर्म की खुशबू होनी चाहिए, परफ्यूम तो सब डाल लेते हैं। हाँ, तीसरी इंद्री ये नाक है, ये सुंघाती रहती है, ये सूंघने की आदि। चौथी इंद्री है हमारी जिह्वा, ये आज जलेबी खाओ फिर रसमलाई, ये मांगती रहती, इसका पेट भरते नहीं, बड़ा दांत टूट गए फिर भी चना चबाने की इच्छा होती है। ये नचाती है, कौन ये जिह्वा बताइए। और पांचवी इंद्री है ये चमड़ी, त्वचा, ये अच्छा अच्छा स्पर्श करना चाहती है, छूना चाहती है, स्त्री पुरुष को छूना चाहती है, पुरुष स्त्री को छूना चाहता है। भोगों की कामनाएं लिए लोग बैठे रहते हैं, भोगों की कामनाएं, जिंदगी चली गई भोग भोगते, पर इच्छाएं हैं कि मिटती नहीं। सच कहता हूं मेरी माँ, इन पांच चीजों ने आपको हम सभी को ठग लिया है। पूरी जिंदगी हम लोग देखते रहते हैं ना देखने की इच्छा पूरी हुई, सुनते रहते हैं ना सुनने की इच्छा पूरी हुई, सूंघते रहते हैं ना सूंघने की इच्छा पूरी हुई, चखते रहते हैं ना चखने की इच्छा, स्पर्श करते रहते हैं ना स्पर्श करने की इच्छाएं पूरी हुई। क्या करें, इन पांच इंद्रियों ने हमें ठग लिया, हमें पता ही नहीं चल रहा। हमारे घर पे चोरी हो जाए तो हमें लगता घर पे चोर चुरा के ले गए, चोरी करके ले गए। अरे वो चोर तो क्या चुराएंगे, ये पांच इंद्रियां आपको छल रही है, ठग रही है, चोरी कर रही है। पूरी जवानी पूरा बुढ़ापा इंद्रियों की भरपाई करते करते निकल गया, बचा क्या आपके पास? आपका लड़कपन समाप्त हो गया इन इच्छाओं की पूर्ति में, आपकी जवानी मिट गई इन इच्छाओं की पूर्ति में, अब आपका बुढ़ापा जो बचा है वो भी मिटता जा रहा है, मिटता जा रहा है। इन पांच की, इस पांच से ज्यादा छठ भी कोई इच्छा नहीं होती किसी की, है ही नहीं, छठवा सब्जेक्ट ही नहीं है। या तो आप देखना चाहोगे, या तो आप सुनना चाहोगे, या सूंघना चाहोगे, या चखना चाहोगे, या स्पर्श करना चाहोगे। इंसान की इन पांच में से कोई इच्छाएं होती हैं? सूत्र पांच है, छठवा है ही नहीं। और धुंधकारी की ये पांच इच्छाएं ही उसकी पत्नी थी, और पांचों ने गला दबा कर मार दिया। एक दिन मर जाओगे लेकिन इच्छाएं समाप्त होने का नाम नहीं लेंगी। इसलिए संत कहते हैं कि मरने के पहले अपनी इच्छाओं को मार डालना, यही ज्ञानी जन के लक्षण है, यही शास्त्र कहते हैं, यही सत्संग का अर्थ है, यही जीवन की सार्थकता। मरने के पहले किसे मारना,
अपने शत्रुओं को, और हमारे शत्रु कौन है? हमारी इंद्रियां, जरूरत से ज्यादा हमारी कामना इच्छाएं, यही तो हमारे संत क्या कह के गए हैं कि राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। जरूरत से ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। हम लोग जोड़ते रहते हैं। आज लोग इसलिए परेशान नहीं है कि उनके पास खाने को रोटी नहीं है, आज लोग इसलिए परेशान है कि तिजोरी भर नहीं रही है। पेट भरने की चिंता किसी को नहीं है, जिसको जिसको चिंता है तिजोरियां भरने की चिंता है। पेट भरने की चिंता होती तो चिंता है ही नहीं किसी को, पेट तो सबका भर रहा है, चिंता तिजोरियों की है, इसलिए लोग जरूरत से ज्यादा परेशान है। हाँ मेरी माँ, इसलिए अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करिए, अपने इंद्रियों को साधिए साधिए साधिए, ज्ञान से साधिए। धुंधकारी प्रेत बन के घूमने लगे, गौकर्ण जी ने भागवत सुनाई उस प्रेत आत्मा को। जब 7 दिनों तक भागवत सुनाई, तब उस भागवत की कथा से धुंधकारी जैसे महान पापात्मा का उद्धार हो गए। ये भागवत की महिमा कि व्यक्ति कितना भी बिगड़ा ही क्यों ना हो, यदि उसने जीवन में भागवत को धारण किया है तो उसका निश्चित उद्धार कल्याण होकर ही रहेगा। ये भागवत की धुंधकारी का हुआ। गोकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत सुनाई, सारे पशु पक्षी तक विमान पर बैठ बैठ के भगवान के निज धाम को चले गए। धुंधकारी ने जाते जाते एक बहुत बढ़िया बात कही। धुंधकारी ने एक बात कही कि देखो, दाल चावल सब्जी रोटी से शरीर बनता है। आप दाल चावल आप भोजन ना करो तो क्या आपके शरीर में ताकत रह जाएगी? मर जाएंगे कि नहीं? हम लोग भोजन ना करें हम तो मर जाएंगे कि नहीं? हाँ ना, मैं जवाब दीजिए, हाँ ना। तो भोजन दाल चावल सब्जी रोटी से हमारा शरीर बना है। अब ये दाल चावल जो है ना मेरी माँ, सुबह की बनी दाल शाम को गंध मारने लगती है, हाँ या ना? खराब हो जाता है कि नहीं गर्मियों के टाइम पे? सोचिए कि सुबह का बना भोजन शाम को बिगड़ जाता है, उसी भोजन से बना हुआ ये शरीर भला कब तक चलेगा? शरीर बिगड़े उसके पहले अपना लोक परलोक बना लेना, यही ज्ञानी जन के लक्षण है। बिगड़ने के पहले बना लो, नहीं तो ये बिगड़ जाएगा, ये काम पे नहीं आएगा, ये सुनेगा नहीं। अभी सुन रहा है शरीर, अभी ताकत है बैठने की, चलने की, राम राम जपने की, कर लो भजन, बाद में रोने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। भागवत श्रवण करने का अधिकारी श्रोता 3 प्रकार के, सोता श्रोता सरोता। सोता वो जो सो जाए वो बढ़िया होते हैं, सरोता वो जो बात करें ये थोड़ा घटिया होते हैं, और श्रोता सबसे उत्तम होते हैं जो केवल कथा सुनते हैं। श्रोता वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलोधीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। विरक्त हो, वैष्णव हो, भगवान का भक्त हो, केवल बातें ना करे स्वयं भी भक्त हो, विश्वास की बातें ना करे स्वयं भी विश्वास रखता हो, और वक्ता संतुष्ट हो, संतोष रखने वाला हो, ऐसा वक्ता हो, ज्यादा हाय हाय ना हो। श्रोता वक्ता ऐसे होने चाहिए। अब नारद जी महाराज झूम झूम के कीर्तन करने लगे, सुंदर सा दर्शन हुआ। आइए चलते हैं भागवत के स्वयं प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक की ओर। भागवत सुनने से धुंधकारी जैसे पापी का कल्याण हुआ, ये तो थी भागवत की महिमा। अब चलते हैं भागवत में कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते सूरयः तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परम धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा के द्वारा हमारा जन्म होता है, जन्माद्यस्य यतोन वयादि तरतश्चा चार्थेषु विज्ञः स्वराट अर्थात स्वानैव राजतीति स्वराट। जो भगवान सब कुछ जानते हो, जिनके प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा भी प्रकाशित होते हो, उन्हें स्वराट कहते हैं, वो ईश्वर। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, जिनकी भ्रांति ब्रह्मा मुह्यंत यत सूर्यः, जिस परमात्मा की भगवान की भगवत्ता को ब्रह्मा ना जान पाए,
एक बार ब्रह्मा जी को मोह हो गया था जब भगवान गाय और बछड़े चुरा कर ले गए थे, बछड़े और ग्वाल वाल चुरा कर ले गए थे। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण गए थे चराने, तो ग्वाल वालों को और बछड़ों को ब्रह्मा जी ने चुरा लिया था, क्योंकि उन्हें डाउट हो गया था कि ये कैसा भगवान है, क्योंकि भगवान मधुमंगल के गाल की लगी कढ़ी को चाट लिया था भगवान ने। भगवान ऐसी ऐसी लीला करते हैं ना कि उनकी लीलाओं को देखकर ब्रह्मा मोहित हो जाते हैं, मोहयंत यत सूर्य। कैसे? जैसे कभी कभी आप रोड में जाते हैं ना, तो गाड़ी से जाते हैं, बस से जाते हैं, तो लगता है गर्मियों के दिनों में कि रोड में पानी भरा है। भरा होता नहीं है पर दिखता है, भ्रांति होती है। जैसे नदी के किनारे सीपी पर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो ऐसा लगता है कि चांदी पड़ी है, पर होती नहीं, भ्रांति है। ऐसे ही भगवान में तीनों गुण है नहीं, सत्वगुण तमोगुण रजोगुण है नहीं, पर भ्रांति के कारण लगता है कि भगवान भी सत्वगुण तमोगुण रजोगुण के वश में है, भगवान भी हम जैसे साधारण। ऐसा कभी कभी डाउट, इंद्र को डाउट हुआ, पानी बरसाया, भगवान ने गोवर्धन उठा के डाउट क्लियर किया। ब्रह्मा जी को डाउट हुआ, ब्रह्मा जी को डाउट हुआ तो भगवान ने बछड़े स्वयं बन गए, ब्रजवासी स्वयं बन गए और लीला चालू रखी, तो ब्रह्मा का संदेह दूर हुआ। और की क्या कहें, माता सती को भगवान शिव की पत्नी तक को तो संदेह हो गया था, मेरे गेरे नथु खेरे की क्या कहें। माता सती को संदेह हुआ था तब ना राम की परीक्षा लेने गई थी। एक बार त्रेता जुग माहि शंभु गए, कुंभज ऋषि पाहि संग, सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। शंकर जी ध्यान में बैठे हो, माता सती सीता बन के गई राम जी में, रावण के पास से आ गई। राम जी बोले आप सीता नहीं हो, आप तो मेरी माँ हो। माता सती बोली आपने पहचाना कैसे? राम जी बोली बिल्कुल सरल था, मेरी सीता हमेशा अपने पति के राम के पीछे खड़ी होती, आप तो आगे खड़ी हो, आगे मेरी माँ ही खड़ी हो सकती है, मेरी पत्नी कभी खड़ी नहीं हो सकती। पहचान लिया भक्तो, जिस भगवान को ब्रह्मा ना जान पाए उसे हम क्या जान पाएंगे, पहले तो ये समझने का विषय है। ये भागवत के पहले अध्याय के पहले श्लोक में बात क्लियर हो रही है, ताकि आपको कल डाउट ना हो जब मैं भगवान की लीला सुनाऊंगा कि वो मक्खन चुराए, मटकी तोड़े, गोपियों के पीछे नाच रहे और गोपियों के संग रास रचा रहे, आपको कैसा भगवान है रास रचाता है, आपको डाउट होगा आगे चल के, कैसा भगवान है मटकी तोड़ता है मक्खन खाता है, कैसा भगवान है बताओ, ये गोपियों के संग नाच रहा है बताओ, आपको डाउट होगा भगवान पर आगे चल के। उसमें डाउट ना हो इसलिए पहले बता दिया कि मोहयंत यत सूर्य, ब्रह्मा मोहित हो गए, तैर वगैरह नथु खेरे की बात नहीं कर सकते। वो भगवान है, भगवान संदेह का नहीं श्रद्धा का सब्जेक्ट है। यदि श्रद्धा से समझोगे तो समझ में आएगा, संदेह की दृष्टि रखोगे तो संशयात्मा विनश्यति गीता में लिखा। ईश्वर संशय का विषय ही नहीं है। माने कह दिया कि ये तुम्हारा पिता है, बस मान लो, अब इसमें संशय, ये कैसा पिता है, यही क्यों पिता है मेरा, ये कोई बात हुई? जैसे आपने कभी अपने पिता पे डाउट किया? किया नहीं किया, माने बोल दिया तो। आपने कभी डीएनए टेस्ट भी नहीं कराया होगा क्लियर करने के लिए? नहीं कराया। मान लिया, क्यों क्यों मान लिया भाई? विश्वास है ना माँ पर कि माँ ने कहा तो सही होगा। जैसे बेटे को माँ की बात पर यकीन होता है, ऐसे हमें गुरुजनों की और शास्त्रों की बात पर यकीन रखना चाहिए, जो कह रहे हैं वही सत्य है। ईश्वर संदेह का नहीं श्रद्धा का सब्जेक्ट। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ईश्वर को पिता माँ कहा गया है, वहां संदेह उत्पन्न नहीं होता, जहां माँ बाप है संदेह की गुंजाइश ही नहीं है। चलिए ऐसे भगवान को सत्यम परम धीमहि सत्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करते हैं। भागवत में किसी का नाम नहीं लिखा कि रामम परम धीमहि, कि श्यामम परम धीमहि, कि दुर्गाम परम धीमहि, ना, केवल ईश्वर ने सत्य की प्रार्थना की है, सत्यम परम धीमहि व्यास जी ने। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भोवी भावुका। ये भागवत रसिकों का सब्जेक्ट है, ये भोगियों की समझ में नहीं आता। सच बताऊं भागवत सुनने के अधिकारी सब नहीं है। जिनके अंदर प्रेम हो, जिनके अंदर भक्ति हो, वो भागवत सुनेंगे तो उन्हें ज्यादा समझ में आएगी। कोई गलत व्यक्ति भागवत में बैठ जाए तो क्या समझेगा? पहली क्लास का विद्यार्थी जाके पीएचडी के क्लास में बैठ जाए, जहां पीएचडी का कोर्स हो रहा हो, पहली क्लास, उसी को समझ में आएगा? नहीं आएगा। ऐसे ही भागवत तो रसिकों का ग्रंथ है,
जिनका प्रेम गोविंद से हो गया है, जिनका जिनकी आंखों से आंसू निकलने लगे हैं उनकी भक्ति उनके प्रेम के लिए, अब वो लोग भागवत सुनेंगे तो उनको और आनंद की अनुभूति होगी। वो अधिकारी हैं क्योंकि वो भागवत का काखा गाघा जानने लगे हैं। जो भागवत का काखा गाघा नहीं जानते वो क्या समझेंगे भागवत क्या है। तो भागवत सुनने का भी अधिकारी होना पड़ता, सब इसके अधिकारी नहीं है। हाँ, श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि भागवत पका हुआ फल है। सूत जी कह रहे हैं कि सुखदेव जी ने अपना मुंह लगा के सिद्ध कर दिया कि भागवत पका हुआ फल है। सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया, कल्याण हुआ, तब से निश्चित हो गई। अच्छा, भागवत में सुखदेव जी सूत जी महाराज प्रणाम कर रहे हैं कि नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हे प्रभु, आपको नमस्कार करते हैं। नारायण भगवान को नमस्कार, मां सरस्वती की वंदना करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। कथा का प्रथम प्रश्न खड़ा हो गया। भागवत का पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है। मैया जी, हाँ, मनुष्य का धर्म क्या, भागवत का पहला, भागवत जी ना प्रश्न से शुरू होती है। भागवत का पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है। आप में से कितने लोग मनुष्य हैं, हाथ उठा के क्लियर करो। जो मनुष्य है वो हाथ उठाएं, मनुष्य के रूप में जो शैतान है वो नहीं उठाएं। क्योंकि भाई, मनुष्य जैसा दिखना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य उसे नहीं कहते जो मनुष्य जैसा दिखता हो, मनुष्य उसे कहते हैं जिसके अंदर मनुष्यता हो। स्वयं भगवान राम को मनुष्य बनकर आना पड़ा ना। रावण ने वरदान मांगा था, हम काहू के मर ही न मारे और बानर मनुष्य जाति दुई बारे। रावण ने वरदान मांगा था, हम मनुष्यों के हाथों मरेंगे, तो मनुष्य बहुत थे, कोई भी ठोक देता रावण को। राम को क्यों आना पड़ा। राम जैसी मर्यादा जिसके भीतर होगी उसी को मनुष्य कहा जाएगा। बाकी मनुष्य जैसे पुतले तो बहुत घूम रहे हैं इंदौर में। हाँ, अच्छा, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। 52। ओ मैया, कितने कैरेट का होता है। 24। पड़ोसन से पूछ के क्लियर हो गया। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। 24 कैरेट का। गोल्ड शुद्ध, जो शुद्ध सोना होता है, जो भाव लो, जो चल रहा मार्केट में उसी भाव बिकता है। एक रत्ती कम नहीं, उसमें बट्टा बट्टा नहीं कटता, आभूषण में कटता, उसमें टांके रहते, मिलावट रहती है। आभूषण 24 कैरेट के नहीं होते, आभूषण 23 के होते हैं। शुद्ध सोने के बिस्किट, सोने का सिक्का 24 कैरेट का होता। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि जैसे शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है पर मिलावट हो जाए तो 23 कैरेट, और मिलावट हो जाए तो 22, और मिलावट हो जाए तो 21, और मिलावट हो जाए तो 15, 18, 17 और 10 भी बन जाए और 4 भी बन जाए और ज्यादा मिला दो तो एक ही कैरेट रह जाए, बाकी सब पीतल है। बस ऐसे ही जब आप लोग मां के गर्भ से बाहर आए थे ना, तब आप लोग सबके सब 24 कैरेट के थे, पर ज्यों ज्यों बड़े होते गए मिलावट होती गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, अहंकार, मत्सरता, निंदा, चुगली, इतनी मिलावट हुई कि अब कैरेट जीरो हो गया, पता नहीं कितना बचा है। आप ही बताओ आप कितने कैरेट के हो, बता अपने मुंह से बताइए, हम क्या बताए। मैया जी बताओ आप कितने कैरेट की हो। मिलावट यदि नहीं है तो मैं आपको प्रणाम करूंगा, आप 24 कैरेट की हो। मनुष्य उसे कहते हैं जो 24 कैरेट का हो, जिसके अंदर काम ना, क्रोध ना, लोभ ना, अहंकार ना, जो बिल्कुल फिजूल की चीजें ना हो, वो मनुष्य है। राम जैसे मनुष्य से रावण मरे, क्योंकि राम जैसी मर्यादा कहां पाई जाएगी। इसलिए मेरी माँ, मनुष्य जैसे दिखने के लिए पुतले भी मनुष्य जैसे दिखते हैं, पर मनुष्य उसे नहीं कहते जो दिखे। अरे भाई, रावण सीता को चुराने गया था तो साधु बन के गया था। क्या रावण साधु था। रावण साधु था नहीं, बन के गया। ऐसे लोग मनुष्य होते नहीं है, मनुष्य बने घूमते हैं। मनुष्य उसे कहते हैं सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। इंसान, मनुष्य। बताओ मेरी माँ कितने कैरेट की हो आप, आप बताओ। आपकी आत्मा बताएगी आपको,
आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, याद रखना अपने आप से कभी नहीं बोल सकते। आज अपने घर पे जाना, आईने के सामने खड़े होना और बोलना कि आप कितने, अपने आप से पूछना कि आप कितने कैरेट के हो, क्या 24 कैरेट के हो या 20 के हो या 15 के हो या 10 के हो या 5 के हो, कितने वो आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। आपकी टेंशन मैं नहीं पालता। बस मेरी तो आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना रहेगी कि अपने अंदर जितनी मिलावट कर चुके हैं आप लोग, तुरंत उस मिलावट को डिलीट करिए और अच्छा इंसान बनिए, अच्छे मनुष्य बनिए। जिस दिन आप अच्छे मनुष्य बन जाएंगे ना, अच्छे मनुष्यों को ही आजकल लोग भगवान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। राम जी मनुष्य बन के आए ना, राम जी भगवान थे, क्योंकि ऐसा मनुष्य भगवान हो जाता है, ऐसा मनुष्य भगवान हो जाता है, हो जाता है। भगवान कोई बना बनाया पैदा नहीं होता, कर्म करके राम जी 14 साल के लिए वनवास ना गए होते और पिता की आज्ञा ना मानी होती तो क्या राम को आप भगवान कहते? बस मेरी माँ, भगवान कौन है? आप ही तो भगवान है। राम कौन है? आप ही राम है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके सब राम है और सबकी सब सीता है। मुझे तो लगता है यहाँ हर स्त्री सीता है और यहाँ का हर पुरुष राम है। राम केवल वो राम राम नहीं थे, आप भी तो राम हो, आप भी राम है। लेकिन उस दिन पूरे राम बन जाएंगे, आपने अपने राम, अपने अंदर के राम को भी आपने सुला रखा है। जिस दिन आप अपने अंदर के राम को जगा दोगे और अपनी बुराइयों के रावण को सुला दोगे, सच कहता हूं उस दिन आप राम हो जाओगे। बुराइयों का रावण मर जाए और अच्छाई का राम जिंदा हो जाए, अच्छाई का राम जाग जाए। सो रहे हैं राम जी आपके भीतर। जो पुरुष पराई नारी को ना देखता हो, जो स्त्री पराई पुरुष को ना देखती हो, वही तो सीता है, वही तो राम है। वो लक्षण आपके अंदर है तो मैं आपको राम कहता हूं ना। आप 100% राम नहीं बन सकते, मानता हूं, परंतु आप 20% राम बन गए तो भी मैं आपको प्रणाम करूंगा कि आप राम तो बने। कोई बात नहीं, आप 100% सीता मत बनो, पर 5% तो बन जाओ। अब हम हार जाए, नहीं नहीं हम राम नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते भाई? तुम 100% नहीं बन सकते, ठीक है, हाँ, पर कुछ तो बन सकते हो। चरित्र के तो अच्छे बन सकते हो, आज्ञाकारी तो बन सकते हो। जितना कर सकते हो उतना कर लो, जो नहीं हो रहा वो सब राम पर छोड़ दो, सब राम जी करेंगे, है ना मेरी माँ? तो मनुष्य का धर्म है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पराई विपत्ति को अपने सिर पर लेके उसे कम करना, लोगों की सेवा करना, वृद्ध माओं के लिए जो आप सेवा दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, यही आपका सबसे बड़ा धर्म है, पुण्य है। धर्म क्या है? लोगों के आंसू पहुंचना ही मनुष्य का धर्म है। और गोस्वामी जी ने एक आखिरी बात कह दी कि धर्म है ना दूसरा सत्य समाना, सत्य से बड़ा कोई धर्म। राम ने 11,500 वर्षों तक राज्य किया है। उस 11,500 वर्षों के राज्य में राम ने एक बार असत्य नहीं बोला। जो पूरी जिंदगी जी लेता हो और एक बार झूठ नहीं बोलता हो, उसे आप क्या कहेंगे? उसे भगवान का। यदि मेरी माँ आप भी पूरी जिंदगी जी लो और आप भी एक बार झूठ ना बोलो ना, तो मैं आपको भगवान कहूंगा, मैं आपको स्त्री नहीं कहूंगा, मैं उसको पुरुष नहीं कहूंगा जो सारे जीवन झूठ नहीं बोला हो, सत्य के मार्ग पे चला हो, जीवन में कितना भी कष्ट आया हो पर सत्य से डिगा ना हो, उसे मैं राम कहूंगा ना, उसे मैं सीता कहूंगा? मेरी माँ ऐसा मत सोचो कि आप नहीं बन सकती हो, बन सकती हो, बनना क्या हो ऑलरेडी। अच्छा चलो एक छोटा सा दृष्टांत दे के आपको इस बात को क्लियर करता हूँ। पहले के जमाने में ना सबके घर पे दरवाजे होते थे, तो वो दरवाजे ना सबके घर पे ना अपने आप लग जाते थे, तो लोग दरवाजे के पास बड़ा सा पत्थर रखते थे ताकि दरवाजा, ऐसा दृश्य देखा कि नहीं? ये पुराने जमाने में ऐसा ही था, आजकल तो VIP हो गया सब, भूल गए हो तो याद दिला दूं मैं। पहले दरवाजा लग जाता था, तो जब हम लोग आते थे तो पांव से ही पत्थर को खिसका के दरवाजे से अड़ा देते थे, ये दरवाजा लग गया। अच्छा, वो पत्थर आपके घर में पहले था, आजकल आपको लोगों ने फेंक दिया होगा। मैं एक बात उसी से समझाऊंगा कि उस पत्थर को, जिस पत्थर को आप 10 बार लात मारते थे, यदि उसी पत्थर को किसी मूर्तिकार को दे दिया जाए और मूर्तिकार उसी पत्थर से बढ़िया सी छेनी और हथौड़ी से बढ़िया कटाई छिलाई करके और बढ़िया से राम का विग्रह निकाल दे, तो क्या उसके बाद आप दरवाजे में रखोगे?
पांव से ठीक करोगे? नहीं। फिर उसे कहां रखोगे? मंदिर में रखो। क्या करोगे? पूजा करेंगे। वही पत्थर है, अलग से तो नहीं लाया ना, पत्थर वही था जिस पर आप लात मारते थे, दरवाजा पे लगाते थे, जब उसी पे मूर्ति पर। अच्छा ये बताइए, क्या मूर्तिकार ने उस पत्थर पे मूर्ति कहीं बाहर से लाके डाली? तो मूर्ति ऑलरेडी उसके अंदर थी, उसने केवल बाहर की कटिंग करी है, बाहर का आवरण हटाया है। क्या किया है? बाहर का, जोर से बोलो, बाहर का आवरण हटा दिया, छिलाई कर दी, बाहर का पत्थर कंकड़ हटा दिया, अंदर से मूर्ति का, राम जी का चित्र तैयार हो गया, विग्रह तैयार हो गए, मंदिर में रखो, पूजा करो, ओम जय जगदीश सर। जैसे मूर्तिकार ने मूर्ति बाहर से लाकर नहीं डाली, ऑलरेडी उसके भीतर मूर्ति थी, केवल आवरण हटाने की देर थी, ऐसे ही राम आपके अंदर ऑलरेडी है, केवल अहंकार असत्य मिटाने की देर है। ये अहंकार असत्य मोह का ये आवरण हट जाए तो आप ऑलरेडी राम हैं। राम को बाहर से नहीं लाया गया उस पत्थर पे, ऑलरेडी थे, आपके भीतर भी राम हैं, सबके भीतर होते हैं, परंतु हम लोग वो आवरण नहीं हटा पाते पूरी जिंदगी। कौन सा आवरण? मोह का आवरण। क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, निंदा है, चुगली है, क्या क्या नहीं भरा हम लोगों के भीतर। आपके अंदर कितनी बुराइयां हैं, छगन के बताओ। एक है क्या आपके अंदर? एक बुराई किसके अंदर है बताओ? हमें लगता है 10 से कम नहीं होंगी हमारे भीतर। मेरे अंदर खुद हजारों बुराइयां हैं, मैं दूसरों को क्या कहूं? हजारों बुराइयां भरी हैं मेरे अंदर, हजारों हजारों, बहुत ज्यादा कम बोल रहा हूं, लाखों बोलूं तो ठीक है, लाखों बुराइयां हैं भैया। बस प्रयास यही है कन्हैया, मैं अपनी बुराइयों को समाप्त करना चाहता हूं पर मेरी ताकत नहीं है। मैंने बुराइयों को जितना, मैं अपनी इंद्रियों को जितना समझाता हूं उतना ही ये फन फैलाती हैं। हे गोविंद, बस अपने चरणों में लगा लो, आप कृपा करेंगे तो ही ये इंद्रियां वश में होंगी, आप कृपा करेंगे तो ही सारी इच्छाएं समाप्त होंगी। नहीं तो कोई व्यक्ति अपने भरोसे कहे कि मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने लोभ को जीत लिया, मैंने, आप में से किसी के अंदर ताकत नहीं है कि आप काम को जीत सको। हाँ, मेरे राम कृपा करेंगे तो जीता जा सकता है। आप कहो मैंने क्रोध को जीत लिया, ना, यदि राम कृपा करेंगे तो जीता जाना संभव है। आप कहेंगे मैंने लोभ को जीत लिया, ना, कोई माई का लाल नहीं जीत सकता, मेरी माँ पैदा नहीं हुआ सुखदेव जी के सिवा। हाँ, नारद जी जैसे काम के अधीन हो गए, नारद जी हम क्या है, हम नारद जी के चरणों में लगी हुई धूल का एक लाखवा टुकड़ा भी नहीं है। जब नारद जी जैसों को इंद्रियों ने नहीं छोड़ा, विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ गए, तो हम लोग कौन कौन है? इसलिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहो कि हे प्रभु, हम क्रोध को नहीं जीत पाएंगे। अच्छा, जब एक बात बताना मेरी माँ, जब छोटे से बच्चे को, जब आपके बच्चे को कोई परेशान करता है ना, तो आपका बच्चा आपको शिकायत करता है, मम्मी वो फलाने ने मारा, उसने ये बोला, तो आपसे बताता कि नहीं? बच्चे को कोई भी दिक्कत होती किससे बोलता है? अपनी माँ से बोलता। बस मेरी माँ, आज एक बात नोट कर लो, आप, आपको जो भी दिक्कत हो, आपको काम सताए, ये काम भी ना हमें सताता आ जाता कभी कभी, काम क्रोध लोभ, जैसे ही काम आए तुरंत भगवान से शिकायत करो, हे प्रभु क्षमा, पांव पकड़ लो भगवान के, हे कन्हैया मैंने आपकी शरण ग्रहण कर ली, ये काम वासना मुझे सता रहा है, ये काम सता रहा है, हे प्रभु कृपा करो ताकि काम ना सता। जैसे ही भगवान के चरण पकड़ोगी, गारंटी लेता हूं मेरी माँ, काम की ताकत नहीं कि एक कदम बढ़ाएगा, तुरंत वापिस चला जाएगा यदि गोविंद के चरण पकड़ लोगे तो। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम। यदि क्रोध सताए तो भगवान के तुरंत पांव पकड़ लो, हे प्रभु ये क्रोध मुझे बहुत सता रहा, बहुत परेशान कर रहा है, ये बार बार आ जाता है, पांव पकड़ लो, भगवान से शिकायत करो, तुम्हें वो माता चा पिता, वो हमारे माई बाप हैं, हर बात हमें उनसे शेयर करनी चाहिए। जब क्रोध आए तो किसके पांव पकड़ो? राम के। क्रोध आए तो राम के, अहंकार आए तो तुरंत, हे प्रभु मुझे इतनी कृपा मुझ पर करना कि मुझे कभी अहंकार ना आए, काम ना आए, क्रोध ना आए, लोभ ना आए, जितनी बुराइयां हैं प्रभु कुछ ना आए, बस जब भी आए तो तेरा नाम ही, तेरी कथा ही, तेरा कीर्तन ही आए, तेरी याद आए, बस और कुछ ना आए। बस यही उपाय है इस कलयुग में इस पाप से बचने का, नहीं दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। कर लो आप कितने बड़े दिग्गज धुरंधर हो, बने रहो ना। ये जब इंद्रियां नचाती हैं ना तो अच्छे अच्छे नाचते हैं, इसलिए कभी ये मत कहना कि हमने इसको जीत लिया ना।
वो जिताएगा तो हमारी ताकत नहीं। हाँ, मनुष्य का धर्म है गोविंद की शरण ग्रहण करना। शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों का सार क्या है? बोले चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है, दोए दुख दीने दुख होते, सुख दीने सुख होए। मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है? ईश्वर सगुण है या निर्गुण है? इस प्रश्न पर कल प्रकाश डालेंगे। भगवान के अवतार कितने हैं? इस पर भी कल प्रकाश डाल लेंगे। कल कथा का समय 3 बजे से है, डेली 3 बजे से ही रहेगा 6 बजे तक। ये कथा यूट्यूब पर भी लाइव चल रही है, आप लोग अपने मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिएगा तो ये कथा यदि अच्छी लगी, उसमें से कोई भी बात अच्छी लगी है, अपने दोस्तों को अपने मित्रों को फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से यूट्यूब से लिंक शेयर करिए, ताकि उनको भी वो बात पता चले जो शायद उनको अभी तक पता ना हो। तो कथा यदि अच्छी लग रही है आपको तो आप शेयर करिए, और कथा टीवी पर चल रही है अपने रिश्तेदारों को बोलिए कि वो भी कथा श्रवण करें। आइए बिहारी जी का पावन दर्शन करते हैं, उसके बाद आरती में। माँ एक मिनट, मैया जी आपने सोना चांदी कितनों ने पहन रखा, हाथ उठाओ। पहन के आई हो मेरी माँ तो कल से मत आना, और आज आई हो तो आज बचाना, पता नहीं घर जा पाता है कि नहीं तुम्हारा सोना। ये भीड़ भाड़ में कट जाएगी चैन, रोती नजर आओगी अभी आरती के बाद। कृपया अपने सोना चांदी मोबाइल पर्स का ख्याल रखना, यदि गिर जाए तो फिर शिकायत मत करना, ये समझना कि भगवान को चढ़ गया। हाँ, अपने सोना चांदी मोबाइल पर्स का खूब ख्याल रखना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए पावन दर्शन बिहारी जी का करते हैं, उसके बाद आरती उतारते हैं। सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, एक बार मस्ती से और एक बार हाथ उठा के सभी लोग झूम लें, फिर आरती उतारते हैं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाइए सब लोग, और एक बार यूं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा भागवत में आई हो मैया हाथ उठा लेना, भागवत में आई हो मैया हाथ उठा लेना, अरे ओ मैया जी, अरे ओ मैया जी, जर ताली बजा लेना, अरे ओ मैया जी, जर ताली बजा लेना, ताली बजाना हाथ उठा लाना नाच के दिखा देना, ताली बजाना हाथ उठा लाना नाच के दिखा देना, अरे ओ मैया जी, अरे ओ मैया जी, जर ताली दिसंबर से हमारे गीता मैया जी के माध्यम से फिर से कथा होगी। कथा कहाँ होगी? स्थान
इंदौर प्रेस मालवा मिल में 25 दिसंबर से फिर कथा होगी, आप आएंगे ना? हाँ, मैं मैया जी से परिचय कल कराऊंगा आपका। कौन मैया जी? जो कल जो 25 तारीख से कक्षा कराएंगे, गीता मैया से आपको कल मिलवाऊंगा। अब ठाकुर जी का दर्शन करते हो, फिर आरती उतारेंगे कि आरती उतारना फिर झूम लेते। अच्छा ठीक है, आप में से किसी को कोई प्रश्न करना हो तो आप माइक लेके कर सकते हैं, जिनको करना हाथ उठाइएगा। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, जय हो। हाय मीठे मीठे बैनन के तू, हे सावरी सलोनी सूरत के तू, हाय प्यारी प्यारी मूरत के तू, जय हो। ओ कजरारे मोटे मोटे तेरे ने, के दौरान होने वाली हर प्रॉब्लम्स जैसे कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, इरेगुलरिटीज, वीकनेस, मूड स्विंग्स एटसेट्रा, इन सभी का बेस्ट एंड सेफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है सची सहेली। सची सहेली आयुर्वेदिक सिरप को मिनिमम 21 दिन रेगुलरली यूज करें, यू विल लव दिस प्रोडक्ट। श्री सीता जी की प्रादुर्भाव स्थली मिथिला, बाबा कुशेश्वर धाम, श्री नंद किशोर उच्च महाविद्यालय, सती घाट, हिरणी के प्रांगण में।